स्टार्ट करते हैं फाइनली फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, पूरे सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, राइट, FR. हम इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, FR बोलेंगे. अब आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए ड्यूरिंग द इंटायर वीडियो लेक्चर्स, आप पूरा उसको क्लासेस में आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए. पॉइंट नंबर वन, कैलकुलेटर, ऑब्वियसली कैलकुलेटर होना चाहिए. भगवान करे आप कैलकुलेटर एग्जाम में ले जाना ना भूलें, कैलकुलेटर हमेशा अपने पास रखें, ठीक है, क्योंकि आगे चल के हमें कैलकुलेशंस की जरूरत पड़ेगी. इनिशियली 4-5 क्लासेस में जरूरत नहीं पड़ सकती, बट डेफिनेटली आगे हर क्लास में पड़ेगी. सेकंड, आपके पास रजिस्टर होना चाहिए. अब आप दो रजिस्टर बनाओगे. सर दो रजिस्टर कैसे? पहला रजिस्टर जब आप बनाओगे वो होगा हमारा रेगुलर क्लास नोट्स का रजिस्टर, क्लास वर्क रजिस्टर बोलो, क्लास नोट्स रजिस्टर बोलो, वट एवर यू कैन कॉल इट. उसमें जो भी मैंने आपको सिखाया है, मैंने आपके साथ कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, मैंने आपको कुछ लिखवाया है, मैंने आपको एग्जाम्पल्स करवाए हैं, मैं आपके साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहा हूं, वो सब क्लास वर्क बुक में आप रखेंगे, ठीक है. तो सबसे पहली एक होगी आपकी क्लास वर्क बुक. उसमें आप सारे कॉन्सेप्ट्स प्लस आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे. बहुत बार ऐसा होता है कि एज ए स्टूडेंट आप समझ सकते हो, जब आप मुझे सुन रहे हो बात को, कि टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा दे भाई, मतलब आंधी मचा दे, तूफान मचा दे, समझ में तो मुझे, मैं एज ए स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, समझ में तो मुझे तब आएगा जब मैं अपने नोट्स बनाऊंगा, और जब मैं रिवाइज करूंगा तो फिर तो भैया मेरे नोट्स मेरे लिए बाइबल बन जाएंगे, ठीक है ना. तो वो उस चीज के लिए ये आपको क्लास वर्क बुक बनानी है, ठीक है ना. हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं वैसे मुझे जरूरत नहीं है, मेरे को तो सर की बुक से काम चल जाएगा, फिर भी आपको ये बनाना है कॉन्सेप्ट लिखने के लिए, क्वेश्चन डिस्कशन के लिए. दूसरी चीज, आप एक और कॉपी बनाओगे, एडिशनल रजिस्टर, ये आप बनाएंगे फॉर कंपाइलर क्वेश्चन बैंक. जो कंपाइलर क्वेश्चन बैंक के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया था कि इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे आरटीपीस एमटीपीस पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स के, तो वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो वो आप ऊपर वाली कॉपी में नहीं करोगे, ऊपर वाले रजिस्टर में नहीं करोगे. रजिस्टर की क्वालिटी कैसी भी हो, क्या हो, वो आप डिसाइड करो यार, ठीक है ना. बट ऊपर वाले रजिस्टर में आप वो नहीं करोगे, आप एडिशनल रजिस्टर बनाओगे क्वेश्चन बैंक के लिए. इससे आपको आसानी पता है क्या रहेगी, एग्जाम टाइम में आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार आरटीपी एमटीपी पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस मैंने दूसरी कॉपी में किए तो मैं डायरेक्टली वो निकाल लूंगा, ठीक है. तीसरा, मैंने आपको बताया कि आपको कैलकुलेटर चाहिए. चौथा, आपको क्या चाहिए, हो सके इफ पॉसिबल सो 2-3 डिफरेंट कलर पेन. आप जो भी पेन यूज कर रहे हो वो अगर हो सके इफ पॉसिबल तो एटलीस्ट 2 अलग अलग कलर की पेन यूज करो, जैसे ब्लू एंड ब्लैक हो गया या फिर रेड हो गया. इससे क्या होगा, जहां जहां आपको इंपॉर्टेंट मार्क करना होगा या फिर जैसे हाईलाइटर, तो आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, इंपॉर्टेंट कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड लिखना है तो आप उसको यूज कर पाओगे. प्लस इसके साथ अगर हो सके तो स्टिकी नोट्स. अब मान लीजिए मैंने बुक में किसी पर्टिकुलर पेज पे आपको एक पॉइंट पढ़वाया, मैंने बोला यार ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाया, आपको लगा यार ये तो मुझे लिखना चाहिए. अब मैं कॉपी में लिखूं इससे बेहतर है, अगर मान लो मैं कॉपी मेंटेन सही नहीं कर पा रहा हूं तो भी मैं छोटा सा ही पॉइंट है, मैं स्टिकी नोट चिपका देता हूं और साइड में लिख देता हूं. तो आप स्टिकी नोट्स का यूज जरूर करना. ये मैं नहीं बताऊंगा आपको कि आपको ये स्टिकी नोट से यहां लिखना है वहां लिखना है. ऑब्वियसली आप छोटे छोटे बच्चे नहीं हो, आप बड़े बच्चे हैं, आप मेच्योर हैं. ये मैं आपको सिर्फ एक
गाइड कर रहा हूँ कि आप अगर ये चीज़ें साथ में रखेंगे तो आपको आगे चल के प्रॉपरली कोर्स को कवर अप करने में, रिवाइज करने में बहुत मज़ा आएगा। तो बस इतनी चीज़ों की ज़रूरत है, याद रखिएगा, ठीक है। अब मैं जो ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि ये फर्स्ट सेशन है, तो ये रिकॉर्डिंग मेरे भोपाल वाले घर पे हो रही है। भोपाल में इतनी गर्मी है इस टाइम पे, ज़बरदस्त गर्मी। मतलब मैं पिछले 1.5-2 साल से पुणे शिफ्ट हो गया हूँ, तो पुणे का टेम्परेचर और भोपाल के टेम्परेचर में डिफरेंस है बहुत। पुणे का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता नहीं है, ज़्यादा कम भी नहीं होता, बीच का रहता है। तो वहाँ के इन्वायरमेंट, वहाँ के टेम्परेचर की आदत लग चुकी है मुझे। अब मैं जब भोपाल जब से आया हूँ COVID-19 के चक्कर में, अब पुणे में मैं हूँ नहीं, मैं और दामिनी घर पे वापस आ गए, अपने घर पे यहाँ पर रह रहे हैं। फिर मुझे नीड लगी कि यार अब क्लासेस तो करनी पड़ेंगी, तो रिकॉर्डिंग रूम यहाँ पर सेटअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने एक टेम्प्ररी रिकॉर्डिंग रूम सेटअप किया है, ताकि मैं यहीं से क्लासेस एटलीस्ट जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक ले सकूँ। मतलब मैं, मुझे पूरा टाइम यहाँ पर पसीना आता रहता है, मेरी ऐसी हालत ख़राब होती है कि मुझे बिना एसी या बिना कूलर के तो मेरी हालत ही ख़राब हो जाती है। नॉर्मल डेज़ में भी मतलब सब मेरे को देखकर हंसते हैं कि यार तेरे को पसीना कैसे आ रहा है। सो शायद अभी आप थोड़ा सा ये चीज़ शायद नोटिस करोगे थोड़ा सा, कि मुझे पसीना आ रहा है और मैं बार बार पसीना पहुँच रहा हूँ, इसलिए मैंने साथ में नैपकिन रखा है। चलिए एनीवेज, तो मैं ये जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये भोपाल के स्टूडियो में कर रहा हूँ। भोपाल का स्टूडियो मतलब भोपाल के घर पे मैंने अपना स्टूडियो बनाया, अपने रूम में मतलब अपनी सिस्टर के रूम में। मेरी सिस्टर की शादी हो चुकी है, रूम खाली था, मज़ा आ गया, अपने को टेंशन नहीं, पूरा टाइम यहीं पर रिकॉर्डिंग करो, वॉशरूम जाओ, यहीं पर सो जाओ, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। अच्छा, अब आते हैं सब्जेक्ट पे। साहब अपना सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये तो पता ही होगा आपको। नहीं सर, नहीं पता था, आपसे सुना। हम इसको FR कहते हैं, FR ऑब्वियसली 100 मार्क्स का पेपर। अगर हम विथ ऑप्शंस की बात करें तो टेंटेटिवली 120 से 125 मार्क्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब पूरे कोर्स को, पूरे FR कोर्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, INDIAS एंड अदर टॉपिक्स। अगर अदर टॉपिक्स की बात करें तो अदर टॉपिक्स का टेंटेटिवली जो वेटेज है वो है 10 से 12 मार्क्स का ओनली। मतलब जो पूरा पेपर बन के आता है 120 मार्क्स का, ऑन एन एवरेज 120 मार्क्स का जो पेपर बन के आ रहा है, उसमें 10 से 12 हार्डली 15 मार्क्स का आपका अदर टॉपिक है। एक है उसमें से गाइडेंस नोट ऑन CSR एक्सपेंडिचर, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो एक्सपेंडिचर कंपनीज को करना पड़ता है उसके ऊपर गाइडेंस नोट, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बहुत ही ईजी है, बिल्कुल ही, मतलब ये मान लो कि 1 घंटे का टॉपिक है। दूसरा जो टॉपिक है दैट इज इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, नया टॉपिक है, वर्ल्ड वाइड बेसिस पे इसका इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। प्योर थ्योरी है, प्योर थ्योरी, आज तक उसमें से शायद एक बार भी नहीं क्वेश्चन आया है, या हार्डली एक बार कभी एग्जाम में आया होगा, नहीं मेरे हिसाब से आया नहीं है। तो वो एक टॉपिक है। एक तीसरा टॉपिक है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको मैं INDIAS का ही पार्ट मानता हूँ, तो उसको मैंने यहाँ पर नहीं गिना है, क्योंकि वो जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर है, कि उसमें से एरर्स निकालिए, क्लासिफिकेशन देखिए ठीक है कि नहीं है, प्रेजेंटेशन ठीक है कि नहीं है बैलेंस शीट का, कौन कौन से बैलेंस शीट में एरर्स वगैरह हैं, मैं उसको कहीं ना कहीं INDIAS का पार्ट मानता हूँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं INDIAS से ही जुड़ा हुआ है। अब अगर INDIAS की बात करें तो INDIAS जो बाकी का पोर्शन है वो लगभग लगभग आपका 100 से 105 मार्क्स आपके कवर करते हैं, पूरे 120-125 मार्क्स के पेपर की बात करें तो, ठीक है साहब। मतलब हमारा
पूरा का पूरा कोर्स देखा जाए, सिर्फ अगर हम ये छोटे से टॉपिक छोड़ दें, तो पूरा कोर्स हमारा यार इंडिया कवर कर रहा है, पूरा हमारा कोर्स इंडिया कवर कर रहा है। अब आपको जान के खुशी होगी, आप जानते हैं कितने नंबर ऑफ इंडियज हमारे कोर्स में एप्लीकेबल है, टोटल कितने इंडियज हैं, चलिए शुरू करते हैं इंडियज की जर्नी समझना। मैं पहले आपको इंडियज की जर्नी समझाता हूं कि ये इंडियज टोटल कितने हैं, क्या है, क्यों है, काय को है। आपने सीए इंटर में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़े थे, ग्रुप वन ग्रुप टू के मिला के आपने लगभग 20-25 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपने कवर करवाए गए थे आपके सिलेबस में सीए इंटर में। आपके सीए फाइनल के सिलेबस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, सीए फाइनल के सिलेबस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है। तो सर सीए फाइनल के सिलेबस में क्या है? सीए फाइनल एफआर के सिलेबस में अगर मैं पूरा नाम लिखूं तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आई थिंक मैं ये नाम पहली बार और शायद आखिरी बार फुल फॉर्म लिख रहा हूं, क्योंकि आज के बाद मैं हमेशा इंडियस बोलूंगा। तो आपके सीए फाइनल सिलेबस में इंडियस है। सर ये इंडियस की कहानी क्या है? बेसिकली जो ये इंडियस है ये कहां से बनाए गए हैं? ये इंडियस बनाए गए हैं IFRS से। कहां से सर? IFRS। इंडियस को बनाया गया है IFRS से। इसको मैं लिखूंगा कन्वर्ज्ड फ्रॉम IFRS, जो पहले इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नाम से जाना जाता था। सर इसका मतलब क्या? ये कन्वर्ज्ड फ्रॉम मतलब कन्वर्ट। जो IFRS है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, उनसे इंडियस, उनको कन्वर्ट करके इंडियस बनाए गए हैं। सर कन्वर्ट क्यों किया गया? वही के वही अप्लाई कर लेते। कन्वर्ट क्यों किया गया सर? हम तो वही के वही अप्लाई कर सकते थे। ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या होता है। जो IFRS है उसकी कहानी समझिए पहले। IFRS ब्रैकेट में IAS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, पहले बिफोर 2000 या इवन 1990s में देयर वर अकाउंटिंग इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, IAS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसने निकाले थे? प्रिपेयर्ड बाय IASC, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी। ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी जो है, ये बेसिकली अगर बात करें ये यूके बेस्ड है, यूके बोलो या यूरोपियन बेस्ड है, यूके और यूरोपियन। सो हुआ ये कि ये जो कमिटी थी, इसका काम है, इस कमिटी का काम है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए, ड्राफ्ट बनाए और इसको अप्लाई करवाया जाए, ना सिर्फ एक कंट्री में, ओवरऑल वर्ल्ड वाइड बेसिस पे जो भी अकाउंटिंग बॉडीज हैं हर अलग अलग कंट्रीज की, उन सबको मिलाकर इकट्ठा करके एक सिंगल यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए जाए और उसको फॉलो करवाया जाए। अर्लियर जब तक इंडिया ने इंडियस फॉलो नहीं किए थे, तब तक इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सिंपल वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चलते थे। मैं आपको बता दूं वो आज भी चलते हैं। मतलब आज हमारे इंडिया में, आज हमारे भारत में दो दो डिफरेंट सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, एक AS और एक IAS। तो जो AS बनाए जाते थे वो IAS मतलब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ही बनाए जाते थे। जब जब IAS को रिवाइज किया जाता था, अपडेट किया जाता था, अमेंड किया जाता था, इंडिया में भी लगभग 5-6 साल बाद, 8-10 साल बाद उसको अमेंड किया जाता था। क्या बात कर रहे हो सर, 5-6 साल बाद? हाँ, बहुत ही ढीलापंती का काम होता था।
कभी कभार थोड़ा बहुत जल्दी भी हो जाता था, बट टाइम लग जाता था उसको अप्लाई करने में. अब हुआ ये कि डे बाय डे जैसे जैसे नेशनलाइजेशन को और पकड़ मिली, जैसे जैसे ट्रेड्स को और पकड़ मिली, एक कंट्री दूसरे कंट्री में जाके ट्रेड कर सकती है, एक कंट्री दूसरी कंट्री में, एक कंपनी दूसरी कंपनी कंट्री में जाके एस्टेब्लिश हो सकती है, बिजनेस कर सकती है, इन्वेस्टमेंट्स कर सकती है, आपने सुना होगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स. तो जैसे जैसे ये इकोनॉमिक ग्रोथ होती गई, एक एंटिटी अलग अलग कंट्रीज में जाके काम करने लगी, अलग अलग कंट्रीज में जाके लिस्टिंग होने लगी हर कंट्री कंपनी की. आज भी कुछ भारत की ऐसी कंपनीज है जो बाहर के स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड हैं. तो जैसे जैसे ये इकोनॉमी बढ़ती गई, लिस्टिंग बढ़ती गई, ट्रेडिंग बढ़ती गई, तो ये नीड होने लगी कि यार कहीं ना कहीं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इस तरीके से बनाना चाहिए, चाहे कोई इंडियन कंपनी हो, चाहे कोई अमेरिका बेस्ड कंपनी हो, चाहे कोई यूके बेस्ड कंपनी हो, चाहे कोई सिंगापुर बेस्ड कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, सबके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कॉमन होने चाहिए. मतलब उसकी लैंग्वेज एक होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि मान लीजिए मैं एक इन्वेस्टर हूँ और मैं इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने आया हूँ, मैं अमेरिका से हूँ, ऑब्वियसली मैं एक इन्वेस्टमेंट कंपनी हूँ, मतलब मैं अमेरिका का, मेरी कंपनी अमेरिका में है. अब मैं अगर इंडियन कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ, तो यार उसके लिए पहले मैं उस इंडियन कंपनी के फाइनेंशियल्स तो देखूंगा ना. अब वो फाइनेंशियल्स जब मैं देखूंगा, जब मैं उसकी बैलेंस शीट पढ़ूंगा, जब मैं उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखूंगा, जब मैं उसके डिस्क्लोजर्स देखूंगा, रिपोर्ट्स पढ़ूंगा, तो वो लैंग्वेज मुझे समझ में तो आनी चाहिए. उसने क्या प्रेजेंटेशन किया है वो मुझे समझ में तो आना चाहिए. और वाइस वर्सा हो सकता है, इंडियन कंपनी जब बाहर जा रही है इन्वेस्टमेंट करने, तो उसको भी हो सकता है यही लगे कि यार हमारे यहाँ तो ये चीज़ें होती हैं, हमारे यहाँ तो प्रेजेंटेशन अलग होता है, वहाँ तो अलग तरीके से दिखाया गया है. तो पॉइंट इज कि अगर मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि यार हमारे यहाँ बैलेंस शीट अलग तरीके से बनाई जाती है और बाहर बैलेंस शीट अलग तरीके से बनाई जाती है, डेबिट क्रेडिट की बात नहीं कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ प्रेजेंटेशन की, बात कर रहा हूँ कुछ डिस्क्लोजर्स की, बात कर रहा हूँ मैं कुछ मेजरमेंट्स की. हमारे यहाँ तो कॉस्ट मेजरमेंट को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, बाहर की कंट्रीज में तो फेयर वैल्यू मेजरमेंट को इंपॉर्टेंस दिया जाता है. इससे क्या होगा, कोई भी कंपनी जब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ेगी, दे विल नॉट अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू सम एक्सटेंट. सो क्यों ना एक कॉमन लैंग्वेज डेवलप की जाए सभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, भले वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी भी कंट्री की कंपनी बना रही है, उसके लिए कॉमन लैंग्वेज डेवलप करने के लिए कॉमन बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन, कॉमन मेजरमेंट टेक्निक्स, कॉमन अकाउंटिंग पॉलिसीज, कॉमन डिस्क्लोजर प्रिंसिपल्स होने चाहिए, कॉमन रिकॉग्निशन क्राइटेरिया भी होना चाहिए. तो ये सब कैसे होगा? ये सब पॉसिबल तब है जब सभी कंट्रीज आपस में मिलके ग्रुप बनाए और एक यूनिफॉर्म अकाउंटिंग स्टैंडर्ड निकाले. तो आगे फिर ये डिस्कस हुआ सबके, इंडिया का जो अकाउंटिंग बॉडी है ICAI बीइंग द मेंबर इन इंटरनेशनल अकाउंटिंग बॉडी का वो मेंबर है, तो इंटरनेशनली ये डिसाइड किया गया कि क्यों ना हम ऐसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप करें जो कि कॉमनली हर कंट्री उसको एडॉप्ट कर सके, हर कंट्री उसको एडॉप्ट कर सके और फॉलो कर सके अपने अपने देश में. इसीलिए क्या हुआ, इनिशियली IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनते थे. जो IAS की सीरीज है वो आज भी सीरीज ऐसी है. IAS 1, IAS 2, IAS 7. अब आप बोलोगे सर 3, 4, 5 से कहां गए, डिलीट हो गए, बने थे पर हट गए. IAS 8, IAS 10, ऐसे करते 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 IAS 41 तक बन चुके थे. जब ये डिसाइड हुआ कि क्यों ना यूनिफॉर्म अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया जाए, यूनिफॉर्म सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया जाए, तो कमिटी ने सबसे पहले तो जो ये कमिटी थी IASC, इसका नाम चेंज कर दिया गया, इसको बोला गया IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड. पहले इसका नाम था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी,
फिर बाद में इसका नाम चेंज करके बोला गया इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। आईएएसबी में, क्योंकि इंडिया भी मेंबर है, सभी कंट्रीज मेंबर है, तो आईएएसबी ने सोचा कि यार हम जो कॉमन सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स बनाना चाहते हैं कॉमनली, जो सभी कंट्रीज फॉलो करें, क्यों ना ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाए जाएं जो कॉमनली भी हो और जिनको फॉलो किया जाए। तो हमने 41 तक तो बना लिए, एक काम करते हैं, ये जितने भी 41 तक हैं देखते हैं कि इसमें कुछ रिवीजन करने की जरूरत है क्या। अगर ऐसे कुछ स्टैंडर्ड जिनको रिवाइज करने की जरूरत है तो हम न्यू ना बना के इन्हीं को रिवाइज कर देंगे, अगर बहुत ज्यादा चेंजेस है तो हम उसको डिलीट करके न्यू बना देंगे, अगर हमें किसी दूसरे न्यू एरिया पे बनाना है तो हम नए बनाएंगे। तो इन सभी आईएएस वाली सीक्वेंस को एज इट इज रखा गया, कुछ कुछ चेंजेस किए गए, कुछ को डिलीट कर दिया गया, तो कुल मिला के नाम भी चेंज नहीं हुआ, नाम वही है आज भी, IAS 1, IAS 2, IAS 7, ऐसे ऐसे करके। हाँ, अब अगर मुझे मान लीजिए नया स्टैंडर्ड बनाना है, IFRS वालों को नया स्टैंडर्ड बनाना है IASB को, तो वो IAS 42 नहीं बनाएगा। उन्होंने बोला कि जब भी हम नए स्टैंडर्ड बनाएंगे तो उसको नाम देंगे IFRS, और एक और नई सीरीज बनेगी IFRS 1, IFRS 2, IFRS 3, IFRS 4। तो IFRS जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन शॉर्ट, उसमें IFRS में सिर्फ ये वाली सीरीज नहीं आती, ये वाली सीरीज भी आती है। तो कुल मिला के जो आपके IFRS हैं, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड हैं, दैट इज कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट सीरीज। फर्स्ट पुरानी वाली सीरीज IAS, सेकेंड न्यू वाली सीरीज IFRS। इन टोटल इसको IFRS ही बोला जाता है, ये वाली, आई बात समझ में। अब इसकी बात करें IFRS, आज तक कितने IFRS बनाए गए हैं, आज तक 16 अकाउंटिंग इंडियन इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स इशू कर दिए जा चुके हैं। IFRS 17 पे काम चल रहा है, इंटरनेशनली उसको अप्लाई किया जा चुका है, इंडिया में इसका कन्वर्ज्ड IndAS पे काम चल रहा है, आने वाले कुछ टाइम में हो सकता है IFRS 17 इंडिया में भी अप्लाई हो जाए। तो IFRS कितने हैं, 16। सर IAS कितने हैं, मैं आपको बताता हूँ IAS कितने हैं, IAS 1, 2, 7, 8, 10, 11 नहीं है, 12, 16, 19, 20, 21, 23, 24, कितने हुए, 12, ठीक है ना, हाँ 12 हुए, 24, उसके बाद 27, 28, 29, कितने हुए, 15, 32, 33, 34, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 और 15 इधर कितने हुए, 23। तो देयर आर 23 नंबर ऑफ IAS, तो कुल मिला के कितने हुए, 23 प्लस 16 कितने हुए, 39 नंबर ऑफ IFRS। मैं IFRS 17 को नहीं गिन रहा हूं क्योंकि अभी वो इंडिया में अप्लाई नहीं हुआ है, ठीक है। अब कुल मिला के देर आर 39 टोटल IFRS विच कंसिस्ट ऑफ 23 IAS एंड 16 IFRS। सर हमें ये सब बात जानने की जरूरत क्या है, बात जानने की जरूरत इसीलिए है कि आगे चल के जब तुम लोग CA बनने के बाद इंटरनेशनली किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डील करोगे तो पता होना चाहिए कि यार IAS और IFRS एक ही चीज़ है। पहले नाम IAS हुआ करता था, आगे के स्टैंडर्ड जो न्यू बनाए गए उसमें नाम IFRS हो गया। आज मेरे कई सारे कलीग्स हैं
जो मेरे साथ सीए बने हैं, जो आज बहुत सारी अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, और उन कंपनीज की जो सब्सिडरी कंपनीज है जो बाहर हैं या फिर उनके होल्डिंग कंपनीज हैं उनमें IFRS अप्लाई किया जाता है, तो वो मुझे आज भी फ़ोन लगा के पूछते हैं, यार थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझा दे, इसको बता दे कैसे बता दे, और कुछ कुछ चीज़ों में तो मुझे उनको फ़ोन लगा के पूछना पड़ता है, यार प्रैक्टिकली इसका इम्पैक्ट बताओ, तुम्हारी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। सो बेसिकली मेरा कहने का मतलब, वी शेयर द नॉलेज विद ईच अदर। तो आगे चल के आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए नॉलेज वाइज कि IAS और IFRS क्या चीज़ है। अच्छा सर, ठीक है सर, इंडिया की पोजीशन क्या है? अपन आते हैं इंडिया की पोजीशन पे। इंडिया ने 2015 में IFRS को बेसिकली एडॉप्ट किया, या यूं कहें कि एडॉप्ट ना करके इंडिया ने IFRS को कन्वर्ट किया और अपने नए सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स बनाए। हुआ ये कि IAS भी जो था उसने अपने सभी मेंबर कंट्रीज को बोल दिया कि भाई देख लीजिए, आपको ये IFRS फॉलो करने हैं। अब या तो आप एज इट इज ये IFRS अपने देश में अप्लाई कर दो, या तो इन IFRS के जैसे आप अपनी कंट्री में ऐसे ही सेम टू सेम स्टैंडर्ड्स बनाओ। तो इंडिया ने बोला, इंडिया ने सोचा कि यार हम एज इट इज IFRS एडॉप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जितने भी IFRS है ना, 23 IAS और 16 IFRS, इसमें कुछ जगह पर, कहीं कहीं जगह पर कुछ ऐसे ट्रीटमेंट हैं जो कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है। मैंने वर्ड बोला एक इंडियन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताए गए हैं कहीं कहीं प्रेजेंटेशन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, वो कहीं कहीं किसी किसी जगह पर इंडिया में फॉलो अगर हम करेंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इंडिया के कॉरपोरेट्स उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इंडिया सप्लाई किसको करना है, IFRS सप्लाई किसको करना है, कॉरपोरेट्स को। आपके जैसे मेरे जैसे इंडिविजुअल व्यक्ति जो अपना मान लो छोटा मोटा धंधा करते हैं वो थोड़ी अप्लाई करेंगे, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को अप्लाई करना है। तो बेसिकली इंडिया ने सोचा, यार हम एज इट इज अप्लाई नहीं करेंगे, जहां जहां चेंजेस की जरूरत होगी वहां हम चेंजेस करेंगे और बाकी का पूरा अप्लाई करेंगे। मतलब हम अपने नए सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स बनाएंगे, पूरे के पूरे कॉपी किए, और जहां जहां हमें लगा यार ये पैराग्राफ इंडिया के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है तो उसको चेंज कर देंगे, जो चीज इंडिया में फिट नहीं बैठती उसको निकाल के फेंक देंगे, जो चीज हमें लगता है कि एडिशनल डालनी है उसको अपनी तरफ से डाल देंगे। इसको बोलते हैं कार्विन कार्व आउट। कार्विन कार्व आउट का मतलब ये हुआ कि इंडिया ने कुछ चेंजेस किए IFRS में। इंडिया ने IFRS को एडॉप्ट नहीं किया, पहली बात। इंडिया ने IFRS को कन्वर्ट किया और नए स्टैंडर्ड बनाए जिसका नाम था इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं IND AS। वो IND AS जो है, दीज IND AS आर द कन्वर्ज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फ्रॉम IFRS। उसमें चेंजेस हैं इसीलिए हम उसको कन्वर्ज्ड बोल रहे हैं, एडॉप्टेड नहीं बोल रहे, ठीक है। जब इंडिया ने ये सोचा कि हम अपने स्टैंडर्ड्स, नए सेट ऑफ स्टैंडर्ड बनाएंगे जो कि IFRS की तरह होंगे, तो इंडिया ने बोला यार सीरीज हम कैसे रखें, क्योंकि IAS भी है यहां पर और यहां पर IFRS भी है। अब यहां पर तो IAS 1 IFRS 1, IAS 2 IFRS 2, IAS 7 IFRS 7, IAS 8 IFRS 8, हम कैसे रखें? तो इंडिया ने बोला ओके, हम अपने जो स्टैंडर्ड बनाएंगे हम दो दो नाम नहीं रखेंगे, हम IND AS ही रखेंगे नाम। पर हम ऐसा करेंगे, जैसे इनका IAS 1 है, IAS 2 है, IAS 7 है, तो हमारा होगा IND AS 1 IND AS 2 IND AS 7 IND AS 8, और ऐसे करते करते IND AS 41, ठीक है। हम सेम सीरीज, हम नाम भी नहीं बदलेंगे, हम सीरीज का नंबर भी नहीं बदलेंगे। हाँ, उसके अंदर जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, जहां जहां लगेगा वहां चेंजेस करेंगे। अब जो ये वाली सीरीज है, IFRS वाली जो सीरीज है, IFRS वाली सीरीज को हम बोलेंगे
इसको भी हम नाम इंड एएस देंगे, पर इसको हम बोलेंगे जैसे ये है आईएफआरएस 1, आईएफआरएस 2, तो हम ये बोलेंगे इंड एएस 101, इंड एएस 102, इंड एएस 103 एंड सो ऑन। तो बेसिकली हमारी जो इंड एएस की सीरीज है वो यूं कहो कि सीरीज दो हिस्सों में है, एक है ग्राउंड फ्लोर, एक है फर्स्ट फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर वाला सीरीज मतलब ये ग्राउंड फ्लोर पे जो रूम नंबर बने होते हैं, ये रूम नंबर है, रूम है ग्राउंड फ्लोर के, और ये फर्स्ट फ्लोर के रूम है इंड एएस 101, 102। इंड एएस 101, 102, 103 मतलब उनका आईएफआरएस, और इंड एएस 123 मतलब उनका आईएएस। इस तरीके से हमने किया। सर क्या हमने चेंजेस किए? यस, हमने कहीं कहीं जगह पर चेंजेस किए, पर ये चेंजेस हार्डली 12 से 15 चेंजेस हैं, ज़्यादा चेंजेस नहीं है। ओवरऑल आईएफआरएस और ओवरऑल इंड एएस के बीच के जो डिफरेंसेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ 12 से 15 जगह पर डिफरेंसेस हैं, ये ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। ठीक है, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ। ग्रुप टू में आपका पेपर नंबर 6 जो ऑप्शनल कैटेगरी पेपर होता है, इलेक्टिव पेपर बोलते हैं, वहां पर आपको कोई भी पेपर इलेक्ट करना है, पेपर 6A, 6B, 6D, 6E, तो उसमें पेपर एक आपका होता है इकोनॉमिक लॉस, मुझे सारे पेपर्स के तो नाम याद नहीं है, एक होता है इकोनॉमिक लॉस, एक होता है इंटरनेशनल टैक्सेशन, एक होता है शायद रिस्क मैनेजमेंट वगैरह वगैरह, एक होता है GFRS जिसका फुल फॉर्म है ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। बहुत ही कम बच्चे उस पेपर को चूज करते हैं एग्जाम के लिए। जनरली मैंने देखा है इंटरनेशनल टैक्सेशन और इकोनॉमिक लॉ ही नंबर 1 पे रहता है, और शायद तीसरा रिस्क मैनेजमेंट वगैरह कुछ। तो जो GFRS का पेपर है वो बिल्कुल डिट्टो FR है, डिट्टो FR है, मतलब बिल्कुल पूरा का पूरा FR है। बस आपको इंड एएस नहीं पढ़ना है, आपको US गैप प्लस IFRS पढ़ना है। सर US गैप क्या होता है मैं बताऊंगा, कुल मिला के आपको IFRS पढ़ना है। नाम है ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, मतलब इंडिया के अलावा अदर कंट्रीज में जो मैक्स, जो बड़ी बड़ी कंपनी, बड़ी बड़ी कंट्रीज में कौन से स्टैंडर्ड्स चलते हैं वो होते हैं आपके IFRS। तो उसमें वो आपको 12 डिफरेंसेस को समझना पड़ेगा। कैसे? अगर आप वो वाला पेपर इलेक्ट करते हो ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जो मैं कहता हूँ करना भी चाहिए, और इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं वो पढ़ाता हूँ, मैं नहीं पढ़ाता हूँ वो अभी एट प्रेजेंट, अभी तक तो वो मैं इलेक्टिव पेपर नहीं पढ़ाता हूँ। मुझे फ्यूचर का नहीं पता कि मैं पढ़ाऊंगा कि नहीं, क्योंकि सच बताऊं अंदरूनी बात, उसको पढ़ाने की जरूरत भी नहीं है। हाँ बस उसका पेपर का पैटर्न अलग होता है, नॉर्मल पेपर की तरह नहीं आता वो, उसका पेपर का पैटर्न अलग होता है। उसका पेपर 4 घंटे का होता है, उसमें आती गिनती के 2-3 क्वेश्चन हैं, 25-30 मार्क्स के। मेरा बोलने का मतलब बस ये है कि वो पेपर इतना इसीलिए ईजी पड़ता है कि अगर किसी ने FR बहुत अच्छे से कर लिया तो उसको सिर्फ 12-15 डिफरेंसेस करके जाने, पूरा उसका सिलेबस कवर हो जाएगा IFRS का। US गैप क्या है? US गैप का मतलब होता है US बेस्ड जो कंट्रीज हैं, अमेरिका, कैनेडा, मॉरिशियस, ठीक है ना, मॉरिशियस तो नहीं, मॉरिशियस में भूल रहा हूं कि वो US में आती है कि नहीं, अमेरिका, कैनेडा और रिमेनिंग जो US बेस्ड जो कंट्रीज हैं, US बेस्ड कंट्रीज में बेसिकली उनके खुद के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चलते हैं, उनको बोला जाता है US गैप, GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज, US बेस्ड गैप। और वो जो US गैप है दे आर ऑल्सो एज गुड एज IFRS, मतलब वो भी IFRS की तरह ही है, बस वैसे ही जैसे हमने अपने इंडिया में कुछ चेंजेस किए, उन्होंने भी कुछ अपने इंडिया, अपने US गैप में कुछ चेंजेस किए। तो वो जो पेपर 6 है उसमें जो इलेक्टिव पेपर आपका GFRS का है वो आपका अपने आप प्रिपेयर हो जाएगा अगर आप अच्छे से यहां पर इंडेस करोगे, और आपके 12 से 15 अगर आपने अच्छे से वो जो डिफरेंसेस है वो अगर आपने पढ़ लिए आपका आराम से कवर हो जाएगा। बट यस, उसके लिए प्रिपरेशन थोड़ी सी अलग से चाहिए होती है, लाइक पेपर कैसे देना है, प्रेजेंटेशन करना है, उसके लिए टेक्निक थोड़ी सी अलग चाहिए। वो डेफिनेटली मैं उसका एक गाइडेंस वीडियो ज़रूर मैं आगे चल के यूट्यूब पे डालूंगा कि यार उस पेपर को एक्चुअली कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, मैं ज़रूर उसके बारे में बात करूंगा। चलिए, तो ये आपको ओवरऑल कहानी समझ में आ गई होगी कि यार इंड एएस बेसिकली कहाँ से बनाया गया है, IFRS से, ठीक है ना। नाउ टोटल मिला के हमने बोला कि
सर 39 IFRS है, तो इसका मतलब इंड एएस में भी कितने होंगे, इंडिया में भी कितने होंगे, 39 ऑब्वियसली। तो क्या आपके सिलेबस में पूरे के पूरे 39 इंड एएस कवर है? नहीं, आपके सिलेबस में 39 इंड एएस कवर नहीं है। तो सर कितने कवर है, आइए बात करते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि कौन कौन से इंड एएस आपके सिलेबस में कवर है, मैं ये बताऊंगा कि आपके सिलेबस में कौन कौन से इंड एएस कवर नहीं है। काम करिए, यहां पर लिखिए, अपनी कॉपी में लिखिएगा, अच्छा आदत डालिए कि आप अपनी कॉपी में डेट्स डालें, आपने वो लेक्चर, पर्टिकुलर लेक्चर, वीडियो लेक्चर कौन सी डेट पे देखा था, वो डेट आप अपने रजिस्टर में डाल दीजिए। जैसे मान लीजिए आप जिस टाइम पे आप ये लेक्चर देख रहे हो, मान लीजिए डेट है से 20th October, तो आपने डेट डाल दी 20th October को मैंने ये लेक्चर देखा, 20th October लेक्चर नंबर 1। उसमें आपके 4-5 पेजेस गए या 3-4 पेजेस गए, फिर 21st October लेक्चर नंबर 2। रजिस्टर में अगर आप ये डेट्स डालेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि हाँ यार ये लेक्चर मैंने उस डेट पे देखा था और उस डेट के अकॉर्डिंग सर का कहना था कि ये चीज है। तो एट प्रेजेंट जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, फॉलोइंग इंडेस आर नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस, ये इंड एएस आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। कौन कौन से सर, आइए बताता हूं। 1, 2 है, 7 है, 8 है, 10 है, 12 है, 16 है, 19 है, 20 है, 21 है, 23 है, 24 है, 27 है, 28 है, 29। इंड एएस 29, इंडेक्स 29 हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमीज के ऊपर इंडेक्स बनाया गया है। करंटली उसका रेलेवेंस इंडिया में है ही नहीं, बट उसको इंडेक्स बना दिया गया है कि कभी भी अगर जरूरत पड़ी तो अप्लाई करवा लेंगे। तो इंडेक्स 29 आपके सिलेबस में नहीं है। बाकी इंडेक्स के ग्राउंड फ्लोर वाली सीरीज में सभी अप्लीकेबल है। फर्स्ट फ्लोर वाली सीरीज में इंडेक्स 4 नहीं है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, जो मैं आपको बोल रहा था ना कि IFRS 17 पर काम चल रहा है इंडिया में, उसको जल्दी अडॉप्ट किया जाएगा। एक्चुअली IFRS 17 कुछ नहीं है, IFRS 17 अगर एक बार आ गया ना तो ये इंड एएस 104 डिलीट हो जाएगा। इंड एएस 104 इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स पर है, और जो IFRS 17 आने वाला है वो भी कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर ही, तो वो ये 104 हट जाएगा। पर 104 अभी एट प्रेजेंट एप्लीकेबल सिलेबस में नहीं है, ठीक है। फिर इंड एएस 106 मिनरल रिसोर्सेस, एक्सप्लोरेशन एंड एवेल्युएशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेस, 106 इंड एएस 106 भी आपके सिलेबस में, सिलेबस का पार्ट नहीं है, राइट। उसके बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और एक लास्ट इंड एएस 114 डेफरल अकाउंट्स, ये चार इंड एएस आपके सिलेबस में नहीं है। फॉलोइंग इंड एएस आर नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस, इसका मतलब टोटल मिला के 39 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, 39 में से 4 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके सिलेबस में नहीं है। तो 39 में से 4 क्या कितना बचा, 35। तो यहां पर हम लिख सकते हैं देयरफोर 35 नंबर ऑफ इंडेस आर पार्ट ऑफ सिलेबस। आपके सिलेबस का पार्ट कितने, 35 इंड एएस। हमें 35 इंड एएस की जर्नी कंप्लीट करनी है, प्लस वो जो अदर टॉपिक्स हैं दो उनको कंप्लीट करना है। 35 इंड एएस में कुछ इंड एएस, बहुत सारे इंड एएस प्रैक्टिकल बेस्ड हैं, प्रैक्टिकल कैलकुलेशन बेस्ड, कुछ एएस थ्योरी बेस्ड है, फुल थ्योरी, कुछ
मिक्स ऑफ प्रैक्टिकल एंड थियरी है, ठीक है, ऐसा है, एक बार आप देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, 35 NDAs हैं आपके सिलेबस पर। सर क्या हमने अभी तक पढ़ाई शुरू कर दी है? बेटा पढ़ाई शुरू करने की तरफ हम जा रहे हैं, बस बेसिक हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो पता ही नहीं होता कि हमारे सिलेबस में कितने नंबर ऑफ NDAs हैं। उनको ये पता होता है कि यार ये पर्टिकुलर NDAs हमारे सिलेबस में है और ये नहीं है, पर अगर उनसे एक बार में पूछो ना इमीडिएटली कितने नंबर हैं, सामने वाला 3-4 मिनट लगाएगा, बोलेगा यार रुक जा यार मैं पहले गिन लूं। अच्छा सर ये NDAs मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम क्यों पढ़ रहे हैं? शायद इस चीज का जवाब आपको CA इंटर में आपके टीचर ने दिया होगा। अगर आपने मुझसे पढ़ा था इंटर में तो डेफिनेटली आपको इस चीज का जवाब मैंने दिया था। मैंने बताया था कि भाई क्या होता है, हर कंपनी अगर अपनी अपने तरीके से अकाउंटिंग करना शुरू करे, अपने अपने तरीके से प्रेजेंट करना शुरू कर दे चीजों को अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अपने अपने तरीके से डिस्क्लोजर करना शुरू कर दे, उसके ऊपर छोड़ दिया जाएगी तुमने जो करना है कर लो भाई, तुम्हें वो चीज डिस्क्लोज करनी है करो, नहीं करनी है नहीं करो, तो वो जो ट्रू एंड फेयर व्यू वाला जो हमारा मोटो है वो कैसे फुलफिल होगा? ये जरूरी हो ना कि हर कंपनी कुछ कॉमन प्रोटोकॉल्स, कॉमन रूल्स को फॉलो करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए। वो कॉमन प्रोटोकॉल्स, कॉमन रूल्स को ही हम कहीं ना कहीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं, और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हर कंपनी को मैंडेटरी बेसिस पर फॉलो करना जरूरी है। सर ये कहां लिखा हुआ है बताता हूं, आपने ये नाम सुना है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। सर ये कौन है? जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होता है, ठीक है ना, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होता है, वैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स वो होता है जो बेसिकली कॉरपोरेट्स, कंपनीज को रेगुलेट करता है, ठीक है। जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है इंडिया की, उसके हाथ में ये मिनिस्ट्री होती है। ऑब्वियसली सारी मिनिस्ट्री रूलिंग गवर्नमेंट के हाथ में होती है, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ही कंपनीज एक्ट 2013 निकाला था। कंपनीज एक्ट 2013 में और उससे जुड़े हुए जितने भी रूल्स हैं, उसमें जितने भी नए रूल्स निकालने होते हैं, अमेंडमेंट्स करने होते हैं, वो सब MCA ही लेके आता है ऑफिशियल गजट के थ्रू, ठीक है। अब होता ये है कि NDAs को किसने बनाया? सोचो अगर मैं ये सवाल आपसे पूछूं, सर NDAs किसने बनाया, तो एक इमेच्योर सा जवाब आएगा कि सर NDAs ICAI ने बनाया। यस, ये इमेच्योर जवाब है, और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ये पूरी तरीके से गलत है, पर ये पूरी तरीके से जवाब सही भी नहीं है। क्यों सर? NDAs को ICAI ने नहीं बनाया, NDAs को जिस कमिटी ने बनाया है उसका नाम है NACAS, नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमिटी, ठीक है। आई बड़ी बात समझ में कि नहीं? नेशनल अकाउंट NACAS का मैं बता रूं, यहां पहले फुल फॉर्म लिख लूं, नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है ना, NACAS। ये NACAS किसने बनाई? NACAS बेसिकली MCA ने बनाई। NACAS को किसने बनाया? MCA ने। इस NACAS में कौन कौन है? अच्छा, NACAS का अब एक नया कमेटी बन चुका है, NFRA, आपने नाम सुना होगा।
नकास में बेसिकली आईसीएआई के मेंबर, आईसीआई के कुछ, आईसीआई भी एक मेंबर है, मतलब आईसीआई के कुछ मेंबर्स को रखा गया, प्लस कुछ वेल रेप्यूटेड डिफरेंट एरियाज के प्रोफेशनल्स को, प्लस डिफरेंट एरियाज के हेड्स को रखा गया है, ठीक है ना। नकास का काम है किसी भी इंड एएस को डेवलप करना, नकास का काम है इंड एएस को डेवलप करना आईसीएआई के साथ मिलकर। जब वो इंड एएस डेवलप हो चुका होता है, फाइनली बन चुका होता है उसका ड्राफ्ट वगैरह, तो उसको अप्लाई करवाया जाता है। और उसको अप्लाई कौन करवाता है? अप्लाई करता है, करवाता है एमसीए। किसके ऊपर? कंपनीज के ऊपर। कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट ये मैंडेटरी बेसिस पर कहता है कि इंड एएस के अकॉर्डिंग आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ेंगे। कंपनीज एक्ट कहता है कि आप जो भी कंपनी, कंपनीज एक्ट 13 में रजिस्टर्ड है, उसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंप्लाई करना पड़ेगा एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दो होते हैं, एक होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एक होते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो बेसिकली ये कंपनीज एक्ट में बोला गया है कि हर कंपनी को एएस या फिर इंडएस फॉलो करना जरूरी है। कौन सी को क्या फॉलो करना है वो मैं आपको आज ही के लेक्चर में बताऊंगा। तो ये बेसिकली कंपनीज एक्ट किसने बनाया? एमसीए ने। तो अल्टीमेटली कौन रेगुलेट करता है? एमसीए। तो जब भी इंडएस में चेंजेस होते हैं ना, तो वो चेंजेस कौन लाता है? वो चेंजेस लाता है एमसीए, और उसको आईसीआई की वेबसाइट और एमसीए की वेबसाइट पर लिस्ट किया जाता है कि चलो भैया ये अमेंडमेंट्स हैं, इस इंडेक्स में हमने ये अमेंडमेंट किया है, ठीक है। तो बेसिकली एमसीए इज द बॉडी हु एक्चुअली रेगुलेट्स द कंप्लायंस ऑफ इंडेक्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स टू द कंपनीज। अंडरस्टूड गाइस? तो कंपनीज को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना जरूरी है, मैंडेटरी है। बनाए किसके थ्रू गए? आईसीआई की हेल्प के साथ मिलके बनाए गए, ठीक है। अच्छा, हमारे सिलेबस में 35 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, बट एमसीए ने अभी तक नोटिफाई कितने किए? 39। नोटिफाई कितने किए बेटा? 39। इंडेस टोटल नोटिफाइड, मैं इसको बोलूंगा नोटिफाइड, कितने नोटिफाई किए गए? 39 इंडेस को नोटिफाई किया गया। आई मेरी बात समझ में? क्लियर बेटा? ठीक है। अच्छा, जब भी कोई इंडेस बनता है, बनाना पड़ता है, तो हमें चार चीजें पता होनी चाहिए। पहला रिकॉग्निशन, दूसरा मेजरमेंट, तीसरा प्रेजेंटेशन, एंड द फोर्थ वन इज डिस्क्लोजर। सर ये चार चीजें क्या है? बेटा कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो, वो इन चार चीजों से मिलके बनता है। या तो उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये चारों की चारों चीजें होंगी, या तो उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से इन चार में से कोई भी एक या दो या तीन चीजें होंगी, पर इन चार के अलावा और कुछ नहीं होता है। सर ये क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में रिकॉग्निशन मतलब रिकॉर्ड करना। किसी भी ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, किस टाइम पर रिकॉर्ड किया जाएगा, किस टाइम पर रिकॉर्ड किया जाएगा, कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, किसके थ्रू, उसको पीएनएल में डालेंगे, कैपिटल रेवेन्यू, कैपिटल नेचर मानेंगे, पीएनएल नेचर, रेवेन्यू नेचर मानेंगे, उस चीज को कहते हैं रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। तो इंडेस में चार बातें होती हैं। एक होता है रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। कोई भी इंडेस आपको रिकॉग्निशन प्रिंसिपल्स बताएगा किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के। जैसे मैं नाम लूं इंडेस 102, मैंने नाम लिया
इंड एस 102, 102 बोला, 102 मतलब फर्स्ट फ्लोर, मतलब आईएफआरएस के हिसाब से आईएफआरएस 2, उसका नाम है शेयर बेस्ड पेमेंट्स। आपने सीए इंटर में नाम सुना था, सीए आईपीसीसी इंटर में आपका एक आपके सिलेबस में एक चैप्टर था ईसॉप। तो बेसिकली शेयर बेस्ड पेमेंट ईसॉप पर है, उसकी अकाउंटिंग बताता है। तो बेसिकली ईसॉप की मुझे अकाउंटिंग कैसे करनी है, मुझे एक्सपेंस को पीएनएल में ले जाना है कि नहीं ले जाना है, उसका क्रेडिट इफेक्ट का मुझे क्या करना है, दैट इज कॉल्ड रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ऑफ दैट ईसॉप और शेयर बेस्ड पेमेंट। मेजरमेंट, ईसॉप का जो एक्सपेंडिचर हम निकालते थे उसको मुझे कैसे निकालना है, हाउ टू मेजर, मुझे उसका अमाउंट कैसे निकालना है, दिस इज कॉल्ड मेजरमेंट। रिकॉग्निशन मतलब रिकॉर्ड कैसे करना, मेजरमेंट मतलब अमाउंट, कौन से अमाउंट पे रिकॉर्ड करना, ठीक है ना, कौन से अमाउंट पे रिकॉर्ड करना। प्रेजेंटेशन, चलो रिकॉर्ड हो गया, किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करना था वो भी हो गया, अब मैं उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, मतलब बैलेंस शीट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, उसमें कहां पर दिखाऊं। आपने इंटर में कैश फ्लो स्टेटमेंट करके पढ़ा था, आपने पढ़ा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते वक्त तीन कैटेगरीज होती हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज। ऐसा नहीं कि कोई भी आइटम कहीं पर भी डाल दो हमारा तो मैच हो रहा है, आंसर आ गया। आपको देखना पड़ता था कि कौन सा आइटम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्रेजेंट होगा, कौन सा फाइनेंशियल में प्रेजेंट होगा, कौन सा इन्वेस्टिंग में प्रेजेंट होगा। तो प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रेजेंटेशन अगर आप गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं होता बच्चों की तरह, फाउंडेशन वाले बच्चों की तरह, चलो बैलेंस शीट तो टैली हो रही है, कैसे भी लिख दो, कोई भी जगह लिख दो। मैंने आपको बोला ना, डिफरेंट जब कोई एंटिटी डिफरेंट कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करने जाती है, किसी कंपनीज को एक्वायर करने जाती है, तो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ती है, तो उसको पता होना चाहिए कि यार ये चीज अगर मान लो मैंने करंट असेट में दिखाई है, तो इसका मतलब मेरा डिसीजन मेकिंग उसके बेसिस पर लिया जाए जा सकता है। कुछ चीज अगर नॉन करंट में दिख रही है, तो मेरा डिसीजन फिर उस बेसिस पर लिया जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है आपके प्रेजेंटेशन पर कि आगे चल के डिसीजन मेकिंग कैसे होगी। तो प्रेजेंटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सही प्रेजेंटेशन से सही डिसीजन मेकिंग हो सकती है। एंड द लास्ट वन इज डिस्क्लोजर, कि जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो कौन कौन से डिस्क्लोजर्स करना जरूरी है वो हमें इंड एस बताते हैं किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए। जैसे इंड एस 24 है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स, तो वो जो इंड एस 24 है, अब मैं आपको बताऊं, अब जो इंड एस 24 है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स, वो बेसिकली उसमें रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है ही नहीं, उसमें मेजरमेंट क्राइटेरिया है ही नहीं, उसमें प्रेजेंटेशन क्राइटेरिया है ही नहीं, उसमें सिर्फ और सिर्फ डिस्क्लोजर की बातें बताई गई हैं कि रिलेटेड पार्टी के साथ अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो, या आपने अगर ट्रांजेक्शन नहीं भी किया है और ड्यूरिंग द ईयर आपकी कोई ना कोई रिलेटेड पार्टी थी, तो उसके रिगार्डिंग आपको क्या क्या डिस्क्लोजर देने चाहिए। क्या वो इंड एस में ये तीनों बातें हैं? नहीं है, पर ये है। अब अगर मैं इंड एस 102 शेयर बेस्ड पेमेंट का नाम लूं, ईसॉप, तो उसमें ये चारों बातें हैं। रिकॉग्निशन उसकी अकाउंटिंग में बताई गई है, कैसे अमाउंट को मेजर करना ये भी बताया गया है, बैलेंस शीट पीएनएल में क्या प्रेजेंटेशन होना चाहिए ये भी बताया गया है, और डिस्क्लोजर भी बताया गया है। तो कोई भी स्टैंडर्ड जो होता है वो स्टैंडर्ड इन चार या चार में से कोई भी चीजों से मिलकर ही बनता है। वो चार चीजें कौन सी है? रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। ये कभी मत भूलना, ये आपका बिल्कुल एक बेसिक पॉइंट है जो आपको कभी नहीं भूलना चाहिए, राइट? चलिए, काम करिए, एक बार पहले आप देख लीजिए, मैं स्क्रीन को पूरा कर देता हूँ, सामने कर देता हूँ, एक बार आप पहले प्रॉपरली देख, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, कोई भी इंड एस इन चार में से, या चारों के चारों, या इन चार में से कोई भी चीज़ों से मिलकर बना होगा। अब ये इम्पोर्टेंट समझना ये है कि इंडिया में इंड एस कौन सी एंटिटीज़ के ऊपर अप्लीकेबल है और कौन सी एंटिटीज़ के ऊपर अप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि सर आप इतनी देर से बक 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 कर रहे हो कि सर एएसबी अप्लीकेबल है, इंड एएसबी अप्लीकेबल है, तो सर करना क्या है? मतलब हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि एएस लगाएं कि इंड एएस लगाएं? अच्छा सर एक बात बताओ, एएस और इंड एएस में डिफरेंस है क्या? ऑब्वियसली अगर डिफरेंस नहीं होते तो हम इंड एएस अलग से क्यों बनाते? तो एएस और इंड एएस में भी कई सारे डिफरेंस, बहुत जबरदस्त डिफरेंसेस हैं। कुछ एंटिटीज के ऊपर एएस अप्लीकेबल होता है, कुछ के ऊपर इंड एस अप्लीकेबल होता है, ठीक है? अच्छा, उसको कैसे समझेंगे? आइए,
बच्चों आपका टॉपिक नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है फाइनली, आप आएंगे टॉपिक नंबर 1 पे, दैट इज रोड मैप ऑफ इंडियस। सर क्या है ये रोड मैप ऑफ इंडियस? ये रोड मैप ऑफ इंडियस का मतलब है कि इंडियस जब इंडिया में आया था तो उसको किस तरीके से फॉलो करवाया गया था इंडिया में। इंडिया में इंडियस के आने की बातें 2006-2007 के बाद शुरू हो गई थी कि मतलब IFRS अडॉप्ट करना है, IFRS लाना है। बट फाइनली 2015 में जाके एक्चुअली IFRS मतलब इंडियस को फाइनली अप्लाई करवाया गया 2015 में। मतलब 2015 में नोटिफिकेशन आया, ये नोटिफिकेशन आया कि 2016-17 से इंडियस को मैंडेटरी बेसिस पर कुछ कंपनीज के ऊपर अप्लाई किया करवाया जाएगा, कुछ कंपनीज के ऊपर, ठीक है। सो रोडमैप मतलब ये इंडियस कौन कौन सी कंपनीज के ऊपर कब कब से अप्लाई होगा वो वाली बातें हैं। हम इसको ये भी बोल सकते हैं एप्लीकेबिलिटी। पहले इंडेक्स से कुछ समझ लेते हैं। एप्लीकेबिलिटी एंड फेज वाइज कंप्लायंसेस। अब हुआ ये कि जब इंडेस आया तो यार ये सोचा गया यार इंडेस अचानक से सारी कंपनीज के ऊपर अप्लाई कर दे, बड़ी हो छोटी हो, स्मॉल कंपनीज हो मीडियम कंपनीज हो कि लार्ज कंपनी, कैसे करें, लिस्टेड है अनलिस्टेड है, तो यार सभी के ऊपर इकट्ठा एक साथ बर्डन दे देना का सही सेंस नहीं है। उसको फेज वाइज कंप्लाई करवाना ठीक है कि पहले ऐसा होता है ना कि जैसे जैसे हमारे देश में वोटिंग होती है तो वोटिंग एक दिन में, पूरे इंडिया में एक दिन में वोटिंग नहीं होती। अगर मान लो प्राइम मिनिस्टर और ओवरऑल सेंट्रल के चुनाव होने हैं, वोटिंग होनी है, तो क्या एक ही दिन में पूरे इंडिया में वोट डलते हैं? अलग अलग फेजेस वाइज होते हैं कि भाई चलो MP छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में जो वोटिंग होगी वो होगी 25-26-27 तारीख को, फिर बिहार उत्तराखंड UP में 3 दिन बाद। अलग अलग फेज वाइज होता है ताकि प्रॉपरली ध्यान दिया जाए। वैसे ही इंडियस को भी फेज वाइज कंप्लाई करवाया गया कि पहले कुछ कंपनीज को करके देखते हैं फिर उसके बाद दूसरी कंपनीज के पास चलेंगे। फिर बैंक्स की बातें भी करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी की बात करेंगे, NBFCC की बात करेंगे क्योंकि ये भी तो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है, ठीक है। कुछ केस स्टडीज भी हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, जो मैंने क्वेश्चंस का कंपाइलेशन किया है ना वो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। एक तो ICAI के मटेरियल से किया है और एक ओल्ड सिलेबस से किया है, ठीक है। इसके अलावा मैंने कुछ अदर बुक्स रेफर की हैं, जैसे मैंने सिंगापुर CA इंस्टीट्यूट जो है, इंस्टीट्यूट ऑफ सिंगापुर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इसका ISCA इंस्टीट्यूट ऑफ सिंगापुर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करके है, उनके यहाँ पे भी सेम सब्जेक्ट होता है FR प्रोफेशनल लेवल पर, हालांकि उनका पेपर पैटर्न अलग होता है। तो मेरे पास उनकी किताबें हैं। अब आप बोलोगे सर आपके पास उनकी किताबें कैसे आई? आप भी उनकी किताबें डाउनलोड कर सकते हो उनकी वेबसाइट से जाके, पहली बात तो। दूसरी बात, मैंने कैसे, मुझे कैसे मालूम पड़ा क्या है, एक्चुअली एक स्टूडेंट है मेरी, मैंने आज तक उसको देखा नहीं है, मैं नाम भी उसका पूरी तरीके से नहीं रिकग्नाइज कर पा रहा हूँ। दैट स्टूडेंट एक्चुअली मेल्ड मी द टेक्स्ट बुक फ्रॉम सिंगापुर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। हाउ? वो स्टूडेंट सिंगापुर में रहती है और उसने मेरी CA फाइनल FR की फास्ट ट्रैक बैच परचेज की थी सिंगापुर के FR को प्रिपेयर करने के लिए।
वहाँ आई डोंट नो, मैंने उनसे ज़्यादा डिटेल में पूछा नहीं वहाँ क्लासेस कैसे लगती हैं क्या लगती हैं, बट उन्होंने मेरी क्लासेस रेफर की थी इंडेस की। उन्होंने बोला सर मैं आपके इंडेस की रेफर कर रही हूँ, हमारे इंडे आपके इंडेस में और यहाँ के सिंगापुर के, मतलब वो इंडियन ही है वो बच्ची, वो सिंगापुर के चार्टर्ड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में और इंडेस में ज़्यादा फ़र्क नहीं है सर, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो उसने मेरे क्लासेस को रेफर किया था, तो उसने मुझे ये मटेरियल वगैरह प्रोवाइड किया। जब मैंने पढ़ना शुरू किया सिंगापुर के स्टडी माइट को पढ़ना शुरू किया, तो कुछ बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, कुछ बातें मुझे अच्छी नहीं लगी। अच्छी नहीं लगने वाली बातें में मुझे उनका जो उन्होंने जो बुक बनाई गई है, जो उन्होंने टेक्स्ट बुक बनाई गई है, उसमें जो उन्होंने एग्जांपल्स जो क्वेश्चंस डाले हैं, उससे हायर लेवल के क्वेश्चंस अपने ICI में कवर होते हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ। तो ये बात मुझे ICI का अच्छा लगा और उनका अच्छा नहीं लगा। दूसरा, उनका पेपर का पैटर्न अलग होता है। उनका पेपर का पैटर्न जैसे हमारे यहाँ पर पेपर नंबर 6 का 4 घंटे का पेपर होता है इलेक्टिव पेपर, और टोटल 100 मार्क्स का जो पेपर आता है वो मान लो 2 या 3 क्वेश्चन से मिलके बनता है, वैसे ही उनका पेपर का पैटर्न वैसा है FR का। मुझे बहुत खुशी हुई है सुन के और अच्छा लगा देख के कि यार वाकई में मतलब प्रैक्टिकल एक्सपोजर के बेसिस पर हो रहा है। एक और चीज़ मुझे उनकी अच्छी लगी, वो अपनी टेक्स्ट बुक के साथ एक प्रैक्टिकल वर्कबुक देते हैं, उस प्रैक्टिकल वर्कबुक में वो रियल लाइफ की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई गई हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज की एंटिटीज़ की, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डाले हैं उन्होंने और उसके बेसिस पे उन्होंने कुछ केस स्टडीज डाली है। आई थॉट कि ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कुछ, तो मैंने वहाँ से कुछ मुझे कॉन्टेंट अच्छा लगा, कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल अच्छा लगा, क्वेश्चन अच्छा लगा, तो मैंने वहाँ से लिया है। ठीक है, इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि यार मैंने कहाँ कहाँ से लिया है, और अभी भी मैं बुक्स पे काम चला रहा हूँ। मेरी अभी जो रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है मैंने, अभी ग्रेजुअली मेरी रिकॉर्डिंग के साथ साथ मेरी बुक्स पे भी काम चल रहा है। तो मैंने एक और चीज़ क्या की, ITFG क्लरिफिकेशंस। सर ये क्या है? इंड एस ट्रांजिशन फैसिलिटेशन ग्रुप क्लरिफिकेशन। बेसिकली ये एक ग्रुप बनाया गया ICI के द्वारा, इंड एस ट्रांजिशन फैसिलिटेशन ग्रुप। हुआ ये कि जब इंड एस पहली पहली बार इंडिया में आया था तो उसके रिगार्डिंग उसको अप्लाई करने में बहुत तकलीफें जा रही थी, कंपनीज को बहुत सारे क्वेश्चंस हो रहे थे, क्वेश्चंस क्वेरीज जनरेट हो रही थी। अब वो क्वेरीज का समाधान कौन करेगा, उसके लिए ICI ने एक ग्रुप बनाया ITFG। वो ग्रुप को आप अपना क्वेश्चन भेजो, FAQ मान लो, और वो उस पर आपको क्लैरिफिकेशन देगा कि इसका ट्रीटमेंट ऐसा ऐसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दैट इंडियस, इसको प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए, इसका डिस्क्लोजर में ये भी होना चाहिए, इसके मेजरमेंट में ये होना चाहिए। तो ITFG क्लैरिफिकेशन के नाम पर बहुत सारे FAQs जनरेट हुए हैं। मैंने वहां से कुछ सिलेक्टेड क्लैरिफिकेशंस को भी इनकॉर्पोरेट किया है। यस, मैंने उनको भी कहीं कहीं इनकॉर्पोरेट किया है, जहां जहां मुझे लगा यार ये बच्चों को बताना जरूरी है। एंड बिलीव मी, एक आध क्लैरिफिकेशन तो आज तक पेपर में भी आई है, एग्जाम में भी पूछा गया है एक आध क्वेश्चन तो, RTP तक में मैंने देखा है। तो वो ITFG क्लैरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, आप सर्च करना गूगल पे, लिखना ITFG क्लैरिफिकेशन, आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या है। तो मैंने अपना जो मॉड्यूल है वो इन सब चीजों से मिलकर बनाया है। द पास्ट कैन नॉट बी चेंज्ड, द फ्यूचर इज येट इन योर पावर। बहुत बड़ी मीनिंग है इस चीज की, पास्ट कैन नॉट बी चेंज्ड, द फ्यूचर इज येट इन योर पावर। इससे जुड़ी हुई मेरे को एक चीज याद आ रही है, पास्ट कैन नॉट बी चेंज्ड। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि यार हमारे स्कूल टाइम में, हम बहुत सारे बच्चों के साथ होता था, मेरे साथ भी होता था स्कूल टाइम में, मैं कोई ज़्यादा स्टूडियस टाइप का बच्चा नहीं था, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट टिल क्लास 8, मैं स्टूडियस टाइप का बच्चा नहीं था। मेरे घर वालों को मेरी चिंता होती थी। आपको मैं एक किस्सा बताऊं, मेरे बड़े भैया हैं घर पे और मेरी छोटी सिस्टर है, मेरी छोटी सिस्टर की शादी अभी रिसेंटली हुई है, बड़े भैया हैं और मैं हूँ, हम तीन हैं।
मतलब हमारे मम्मी डैडी के बच्चों में हम तीन हैं। तो जब मैं पैदा हुआ तो बच्चा जब 2, 2.5, 3 साल का हो जाता है तो उसके बाद प्री नर्सरी, KG 1, KG 2 वगैरह में डालते हैं, स्कूल में डालते हैं। तो मेरी मम्मी को ऐसा लगता था कि मेरे बारे में कि ये बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, ये बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं होगा। अब वो होंगे मेरे ऐसे कुछ लक्षण बचपन से, तो मेरी मम्मी को लगता था कि यार ये बच्चा ना पढ़ नहीं पाएगा, इसको इस मतलब मेरी मम्मी को मेरी चिंता होती थी। और मेरी मम्मी को लगता था, मम्मी डैडी को, स्पेशली मम्मी को। अब पापा लोग तो क्या होता है यार, जो घर वाली बोलेगी ठीक है मानना पड़ेगा, हमें तो अपने बिजनेस, हमें अपने धंधे से मतलब है, ठीक है घर पे तो उसकी चलेगी। तो मम्मी ने पापा को बोला, यार ये जो अपना जय है इसको स्कूल में डालना है, पर समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं ये पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, इसको हिंदी मीडियम में डालते हैं अपन। यू वोंट बिलीव, मेरी स्कूलिंग जो स्टार्ट हुई है, मेरी स्कूलिंग स्टार्ट हुई विथ हिंदी मीडियम। और मुझे बताते ही बिल्कुल शर्म नहीं हो रही। हो सकता है आप में से जो मुझे कुछ लोग सुन रहे हैं वो भी हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, और उसमें कोई शर्म वाली बात ही नहीं है। मेरी स्कूलिंग स्टार्ट हुई हिंदी मीडियम से, मैंने पूरा 1 साल हिंदी मीडियम से शुरू किया। उस टाइम पे, हमारे टाइम पे प्री नर्सरी वगैरह ये सब नहीं होता था। फिर बाद में मेरे रिलेटिव्स, स्पेशली मेरे मामा लोगों ने मम्मी को डांटा, डांट लगाई, रिश्तेदारों ने डांट लगाई कि क्या कर रहे हो, हिंदी मीडियम में मत डालो, इंग्लिश मीडियम में डालो। मेरी मम्मी ने फिर मुझे इंग्लिश मीडियम में डाला। मैं ज़्यादा स्टूडियस नहीं था उस टाइम पे, मेरे घर वालों को चिंता होती थी, यार ये क्या करेगा, किस तरीके से करेगा यार। अच्छा, हमारी पूरी फैमिली बिजनेस क्लास फैमिली, पापा मम्मी दोनों नहीं चाहते थे कि हमारे बच्चे बिजनेस क्लास के, मतलब सेम जो पापा दुकान चला रहे हैं वो दुकान पे मेरे बच्चे बैठे। टू बी वेरी फ्रेंक, पापा नहीं चाहते थे, बट बड़े भैया ने डिसाइड किया बड़े होके कि मुझे पापा को ही सपोर्ट करना है और पापा के साथ ही रहना है। घर वालों की टेंशन और बढ़ गई क्योंकि मैं थोड़ा सा अलग टाइप से रहता था, मैं ज़्यादा ज़्यादा लोगों से बातचीत वगैरह नहीं होती थी। तो मेरे घर वालों को बहुत टेंशन होती थी कि यार ये पढ़ता लिखता भी ढंग से नहीं है, अब ये ऐसा होगा तो ये भी, इसको भी दुकान पे बैठाना पड़ेगा। मेरे घर वालों की बिल्कुल मर्जी नहीं थी दुकान पे बैठाने की। तो उससे ही मुझे याद आया, द पास्ट कैन नॉट बी चेंज्ड, मतलब मेरा जो पास्ट है इट वॉज लाइक, ऐसा कोई, मैं कोई इस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मैं कोई, अगर मैं स्टडी वाइज बात करूँ, मैं कोई ऐसे बैकग्राउंड से नहीं हूँ कि मैंने कोई ज़्यादा तीर उखाड़े हैं, मैंने कुछ कुछ उखाड़ दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आफ्टर 8th क्लास मेरा थोड़ा सा यू टर्न आया, मुझे 9th क्लास से लगने लगा कि यार पढ़ाई पे ध्यान देना ज़रूरी है। क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो ना, आपको अपनी फैमिली कंडीशन समझ में आती है, आपको रियलाइज़ होता है कि यार फैमिली में क्या कंडीशंस चल रही हैं और आपको क्या करना चाहिए। आफ्टर क्लास 8 मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार दुकान पे बैठना मेरे लिए ऑप्शन नहीं है, भैया पहले से ही बैठ रहे हैं और दुकान पे भी हमारी लिमिटेड इनकम हो रही है। अगर मुझे वाकई में कुछ करना है तो पहली बात तो मुझे अपने दिमाग से कचरा हटाना पड़ेगा कि मैं दुकान पे बैठूंगा या कुछ करूंगा। भले फिर मैं अपना सेपरेट कुछ पढ़ लिख के नहीं भी कर पाया तो मैं अपना कुछ सेपरेट करूंगा, पर मैं पापा और भैया के साथ दुकान पे नहीं बैठूंगा, नहीं तो साला दिक्कत हो जाएगी ना, भैया आगे बढ़ पाएंगे ना मैं आगे बढ़ पाऊंगा। होता है, आप इस चीज़ को पता नहीं कितना समझ पा रहे हो कि नहीं। दैट टाइम आई डिसाइडेड कि यार मुझे जो करना है वो मुझे पढ़ाई से करना है, कुछ भी हो जाए मुझे पढ़ लिख के ही कुछ आगे बढ़ना है। CA तो बहुत बाद की बात है, उस टाइम पे मैंने सोचा कि यार अब कुछ करना है। देन आई डिसाइडेड कि यस, पास्ट को तो मैं बदल नहीं सकता हूँ, ठीक है मेरी पढ़ाई आज तक ज़्यादा कोई अच्छी नहीं हुई है, पर फ्यूचर अभी भी मेरे हाथ में। स्टिल आई हैव 9th क्लास 10th क्लास +1 +1 +2, अगर इन 4 सालों में मैंने अच्छा परफॉर्मेंस कर लिया तो आगे मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। एंड हुआ भी यही, 9th क्लास 10th क्लास 11th 12th, मतलब +1 +2 में मैंने अपना परफॉर्मेंस सुधारा। ऑल दो आई वॉज नॉट बिलोंगिंग टू CBSE बोर्ड, आई बिलोंगिंग टू स्टेट बोर्ड MP का, जो कि ज़्यादा माना नहीं जाता सही बताऊँ तो। बट देन टू हमने अच्छे से काम किया, मैंने अपने ऊपर अच्छे से काम किया। इंग्लिश के नाम पर कुछ भी नहीं आता था समझ में, ना बोलने ना समझने में कुछ आता था, हर चीज़ रटते थे। पर देन थोड़ा 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 ग्रेजुअली समझते गए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, समझ में आ गया कि यार हाँ कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको समझना, पास्ट आपके हाथ में नहीं है, आपका पास्ट कैसे हुआ है क्या हुआ है उससे कोई मतलब नहीं, अब से लेकर फ्यूचर कैसे करना है वो आपके हाथ में।
वो एक बहुत अच्छी कहावत है, पता नहीं किसी ने बोला हुआ है, आपने भी सुना होगा, कि हम पैदा अगर गरीब हुए हैं, बिना पैसों के हुए हैं, तो वो हमारी गलती नहीं है और वो हमारे हाथ में भी नहीं था। बट अगर हम मरेंगे गरीब, या अगर हम मरेंगे बिना पैसों के, बिना अपनी फैमिली को खुश किए हुए, ये हमारी गलती मानी जाएगी। दैट्स इट। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपकी लाइफ का, ये बहुत ज़रूरी है, आप इसको ज़रूर याद रखना कि फ्यूचर आपके हाथ में है, आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या करना है। इट्स नॉट अबाउट CA, CA बने हो चाहे CA नहीं बने, इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर दिखाओ कि अगर आप CA नहीं भी हो तो भी आपको लगे कि यस, मैंने अपने घर वालों को बहुत अच्छे लेवल पर खुश किया है और बहुत अच्छे लेवल पर मैंने अपने घर वालों को आगे बढ़ाया है। भगवान की दया से आज मेरे बड़े भैया भी बहुत अच्छे लेवल पर हैं, ही इज़ अ बिजनेसमैन, पापा और भैया दोनों साथ में ही काम करते हैं, और मैं आज बहुत अच्छे लेवल पर हूँ आप सबका सपोर्ट से भी और घर वालों के आशीर्वाद से भी। तो आज हम एक हैप्पी फैमिली में हैं। ओके, चलिए नाउ वी शैल स्टार्ट एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हुआ ये 2015 में, फरवरी 2015 में MCA ने नोटिफिकेशन निकाला कि इंड एस को अब अप्लाई करवाया जाएगा कुछ पर्टिकुलर क्लास ऑफ कंपनीज के ऊपर। नोटिफिकेशन आया 16 फरवरी 2015 को, मैं आपको मॉड्यूल से पढ़ाऊंगा, पहले आप मेरी बात को ध्यान से सुने। 16 फरवरी 2015 को MCA ने नोटिफिकेशन निकाला कि बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, NBFC कंपनीज को छोड़कर बाकी जो भी कंपनीज है जो कि इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट है, अब जैसे पार्टनरशिप इनकॉर्पोरेट नहीं होता कंपनीज एक्ट में, तो जो इनकॉर्पोरेट अंडर कंपनीज एक्ट है उनके ऊपर इंड एस अप्लाई किया जाएगा, और उनमें से भी कुछ कैटेगरी ऑफ कंपनीज के ऊपर इंड एस अप्लाई करवाया जाएगा, और जिनके ऊपर हम अप्लाई नहीं करेंगे इंड एस तो बाकी सब AS लगाएंगे। तो ये नोटिफिकेशन निकाला गया था 16th of February 2015, राइट। मुझे अच्छे से याद है ये किस्सा, उस टाइम पे मैं अपनी CA फाइनल की क्लासेस ले रहा था 2015 में, तब इंड एस नहीं हुआ करता था, तब सिर्फ ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हुआ करते थे और कुछ डिफरेंट चैप्टर्स हुआ करते थे CA फाइनल के। जब ये नोटिफिकेशन आया तो इतनी बात तो समझ में आ गई कि भैया अब तो इंड एस अप्लाई होने वाले हैं, तो दूसरी बात ये समझ में आ गई कि बस अगर इंड एस प्रैक्टिकली अप्लाई होंगे तो CA के कोर्स में भी आएंगे, CA के कोर्स में आएंगे तो इसका मतलब मुझे पता होने चाहिए, मुझे पहले पता होनी चाहिए, मुझे नॉलेज होनी चाहिए, मुझे ही नॉलेज नहीं होगी तो मैं पढ़ा कैसे पाऊंगा। 2015 की बात चल रही है, मैं 2011 में CA बन चुका था, मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन बैच में कि मैं टीचिंग और प्रैक्टिस दोनों को मैं सीरियसली लेता था शुरुआत के 7 साल तक। तो मुझे एक चिंता हो गई थी कि यार अभी तो मैं CA फाइनल पढ़ा रहा हूँ बच्चों को फेस टू फेस, तब मैं उस टाइम पे बच्चे मेरे पास सही बताऊँ तो 15-20-25 बच्चे आते थे CA फाइनल में, इससे ज़्यादा नहीं आते थे उस टाइम मुझे पढ़ाए हुए सिर्फ 1.5-2 साल हुए थे CA फाइनल स्टार्ट किए हुए। तो मैं बहुत टेंशन में आ गया, मैंने यार ये तो भैया एप्लीकेबल हो गया, भैया कुछ ना कुछ तो अब करना पड़ेगा, बस अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्या करें। सर्च किया इंड एस कैसे पढ़ें क्या करें, तो बाकायदा समझ में आया कि यार इसकी क्लासेस होती हैं, इंस्टीट्यूट भी मेम्बर्स को इसकी क्लासेस देता है, अलग अलग सिटीज में कंडक्ट करता है इसकी, कुछ वीकली वीकेंड बेसिस पे क्लासेस होती हैं सैटरडे संडेज पे। यू वोंट बिलीव, मैं हर वीक मैंने इसकी क्लासेस करने के लिए, IFRS की क्लासेस करने के लिए, सर्टिफिकेट कोर्स ऑन IFRS था ये नाम, IFRS की क्लासेस करने के लिए मुझे दिल्ली जाना पड़ता था हर वीक, भोपाल से दिल्ली, यस। और इसकी टोटल नंबर ऑफ 14 क्लासेस थी डिवाइड बाय 2, मतलब हर हफ्ते 2 क्लासेस होती थी, तो मुझे 7 टाइम्स भोपाल दिल्ली अप डाउन करना पड़ता था सैटरडे संडे के हिसाब से। मैं फ्राइडे रात को निकलता था,
सुबह अगले दिन पहुंचता था दिल्ली, वहां पे मैं अर्ली मॉर्निंग सुबह पहुंच के, मेरा एक फ्रेंड था, मैं अपने फ्रेंड के पास रहता था, नोएडा में वो रहता था, मुझे याद आ रहा है वो नोएडा में रहता था, नोएडा सेक्टर पता नहीं किसी सेक्टर में रहता था, आईटी कंपनी में जॉब करता था। तो मैं उसके पास रहता था, मैं फ्रेश होके तैयार होके मेट्रो पकड़ता था, और वैशाली करके एक जगह है वहाँ पे, बेसिकली वो दिल्ली से बाहर है, आई थिंक शायद वो गाज़ियाबाद यूपी में आता है, वहाँ हमारी किसी 5-star 7-star होटल में क्लासेस लगती थी, और मैं वहाँ जाता था, फिर दो 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 क्लासेस लेके फिर संडे को मैं निकलता था, वहीं से क्लास लेके मैं अपनी ट्रेन पकड़ता था। ऐसे करके मैंने 7 बार ऐसा किया, तो मैंने ये अपना कोर्स कंप्लीट किया। मैंने उसमें उस कोर्स कंप्लीट करते हुए मैंने इतना कुछ सीखा, जैसे हम कहते हैं ना कि जब हम आर्टिकलशिप करते हैं, जब तक हम आर्टिकलशिप नहीं करते, मैं आप प्लीज़ उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, बुरा मत मानिएगा, जब तक हम आर्टिकलशिप में नहीं होते, हम छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो मैं बोलता हूँ इंटर वाले बच्चों को, क्या तुम क्या बेवकूफ़ यार, मतलब इमेच्योर बच्चे। इंटर वाले बच्चे थोड़े से मुझे इमेच्योर लगते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने दुनिया नहीं देखी होती। जैसे ही वो आर्टिकलशिप में आते हैं तो उनको समझ में आता है कि हाँ यार, लोगों से किस तरीके से बात की जाती है, लोगों से किस तरीके से मुलाकात की जाती है, ठीक है ना, व्यवहार बनाना किसे कहते हैं, वो सब समझ में आता है, और किस तरीके से दुनियादारी चलती है तब थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। ऐसा ही मुझे समझ में आया जब मैंने क्लासेस वगैरह ली, मैं बड़े बड़े लोगों से मिला, वहाँ जो पढ़ाने लोग आते थे मैं उन लोगों से मिला, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला क्लासेस करके। तब मैंने अपनी क्लासेस की, फिर मैंने फिर उसका एग्ज़ाम दिया, मैं उसमें पास हुआ, फिर मैंने उसमें बहुत सारी रिसर्च अपनी खुद की, फिर लगा यार पढ़ तो लिया, अब इसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर चाहिए, वो क्या करूँ। फिर मैंने अपने भोपाल में अपने पार्टनर्स को और अपने सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बोलना शुरू कर दिया कि मेरे को इंड एस की नॉलेज है, अगर आपके पास कोई कंपनी आती है रिपोर्टिंग के लिए तो आप चाहो तो मुझसे काम करवा सकते हो या मेरी हेल्प ले सकते हो। टेंटेटिवली 3 साल तक मेरे ऐसा कोई काम नहीं मिला, 2015 के बाद 3 साल तक मुझे काम नहीं मिला। मुझे काम मिला 2018 में, इंडेस कंपनीज का काम मिला, लिस्टेड एज वेल एज अनलिस्टेड कंपनीज का मुझे काम मिला। फिर मैंने कंपनीज में कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ मिलके काम किया इंडेस पर, प्रैक्टिकल एक्सपोजर होता गया और आज वो चलता जा रहा है। सो ये एक छोटी सी कहानी थी जो बताना ज़रूरी थी कि एज अ, आप उसको ऐसा मत लो, इस सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट आपको, मतलब वो कहते हैं ना कि कुछ कुछ टीचर लोग बोलते हैं कि जैसे ऑडिट है, बोलते हैं सर ये सब्जेक्ट ऑडिट के बारे में बोला जाता है या टैक्स के बारे में बोला जाता है कि सर ये सब्जेक्ट आपका आपका पेट पूरा करेगा, मतलब आपकी पेट की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करेगा। मैं कहता हूँ कि जो ये सब्जेक्ट है ना आपका, ये भी उनमें से ही है। ये सब्जेक्ट की भी आपको उतना ही इज्जत करनी चाहिए, उतना ही काम आएगा जितना आप बाकी सब्जेक्ट की इज्जत करते हो। MCA ने 16 फरवरी 2015 को नोटिफिकेशन लाया, इसको हाईलाइट कर दीजिएगा। अब जब नोटिफिकेशन लाया, जब तक इंडिया में इंडेस नहीं थे तब तक इंडिया में AS अप्लाई होते थे, तो उसका एक रूल था, कंपनीज AS रूल्स 2006, कंपनीज एक्ट कहता था कि हर कंपनी को AS अप्लाई करने पड़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए। अब AS कौन से अप्लाई करने हैं, क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए कंपनी का रूल बनाया गया, कंपनीज AS रूल 2006। जब ये नया नोटिफिकेशन आया इंडेस का, तो एक नया रूल बनाया गया, कंपनीज इंडेस रूल्स 2015। अब हमारे भारत में दो दो रूल्स हैं, कंपनीज AS रूल्स 2006 और कंपनीज इंडेस रूल्स 2015। जिन कंपनीज को AS फॉलो करने हैं तो वो पहला वाला रूल फॉलो करेंगे, जिनको इंडेस फॉलो करना है वो दूसरा वाला इंडेस रूल 2015 फॉलो करेगा। तो ये देखिए क्या लिखा है, उन्होंने अनाउंस किया कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015, ठीक है, 2015 रूल निकाला और उन्होंने ऑल 39 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करवाया। 39 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे उस टाइम पे, भी 39 थे, अभी भी 39 है, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जब 39 थे तो कुछ और थे वो डिलीट हो गए, फिर कुछ नए आ गए, तो कुल मिला के अभी भी 39 ही है, बैलेंसिंग बाकी वही की वही है, ठीक है। जो कंप्लायंस करने को बोला गया उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये बोला गया कि बॉस सबसे पहले तो बैंक्स, NBFCs और इंश्योरेंस कंपनीज, इनको तो हटाओ, इनका बाद में देखेंगे, क्यों?
क्योंकि बैंक के ऊपर आरबीआई का रेगुलेशन भी लगता है, इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर आईआरडीए का रेगुलेशन लगता है, एनबीएफसीज के ऊपर भी कहीं ना कहीं आरबीआई की पकड़ है। तो इसके लिए हमें आरबीआई से बात करनी पड़ेगी, आईआरडीए से बात करनी पड़ेगी, इनसे बात करनी पड़ेगी, थोड़ा सा समझना पड़ेगा यार, इनको हटाओ। चलते हैं अदर कंपनीज के ऊपर। अब अदर कंपनीज में दो कंपनीज को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, लिस्टेड अनलिस्टेड। लिस्टेड मतलब जिनके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है या इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है। इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग मतलब कि उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में, चाहे इंडिया में चाहे इंडिया से बाहर, उन्होंने किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में अप्लाई कर लिया है अपने शेयर्स को लिस्टिंग करवाने के लिए, तो इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग माना जाता है। और बाकी कंपनीज अनलिस्टेड, जिनके शेयर्स अनलिस्टेड है, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। फर्क क्या होता है लिस्टेड अनलिस्टेड में? किसी भी कंपनी के शेयर्स अगर लिस्टेड हैं तो आप, मैं, हम सब लोग उन कंपनी के शेयर्स ओपनली मार्केट से परचेज कर सकते हैं, मतलब पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट होता है लिस्टेड कंपनीज में। अनलिस्टेड कंपनीज में पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, आपस में एक प्रमोटर लोग होते हैं जो अपने आप को शेयर इशू करवा लेते हैं, डायरेक्टर लोग, प्रमोटर लोग, और उन्हीं की कंपनी चलती रहती है। अनलिस्टेड मतलब घर घर वालों की कंपनी, उसमें पब्लिक का, जनरल पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। डिसाइड ये हुआ कि कुछ कंपनीज लिस्टेड हैं, कुछ अनलिस्टेड है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम उन कंपनीज के ऊपर अप्लाई करवाएंगे इंडेक्स जिनकी नेटवर्थ, ध्यान से सुनिएगा, जिनकी नेटवर्थ 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 500 करोड़ से ज्यादा है, चाहे वो कंपनी लिस्टेड है चाहे वो कंपनी अनलिस्टेड है, दैट डजंट मैटर। चाहे कोई भी कंपनी लिस्टेड है चाहे कोई भी कंपनी अनलिस्टेड है, अगर आपका नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है तो सबसे पहले आपके ऊपर इंडेस अप्लाई करवाया जाएगा फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 16-17 ऑनवर्ड्स। याद रखना 16-17। सर ये सब हमें पढ़ना जरूरी है क्या? ये तो सर पुरानी चीजें हो गई, हिस्ट्री हो गई, अब क्यों पढ़ रहे हैं? आपकी बुक में है पहली बात, दूसरी बात बुक में नहीं भी होती तो भी पढ़वाता क्यों सर? पता होना चाहिए, नॉलेज होना जरूरी है, बेसिक हिस्ट्री होना जरूरी है, पता होना जरूरी है आपको, ठीक है ना? सो कहा गया कि जितनी भी कंपनीज है, चाहे लिस्टेड कंपनीज हो चाहे अनलिस्टेड कंपनीज हो, जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा होगी, नेटवर्थ, अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, मैं अभी आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूं। अब आपको माइंड में आएगा सर नेटवर्थ कौन से पीरियड की देखनी है, किस टाइम की देखनी है, नेटवर्थ में क्या क्या आएगा, ये सब बाकी की बाद की बातें। नेटवर्थ अगर 500 करोड़ या उससे ऊपर है, अगर आप लिस्टेड हो चाहे आप अनलिस्टेड हो, तो आपके ऊपर इंडेस अप्लाई होगा मैंडेटरी बेसिस पे 16-17 से। कब से? 16-17 से। और ना सिर्फ आपके ऊपर, आपकी अगर कोई होल्डिंग कंपनी है, भले उसकी नेटवर्थ 500 करोड़ के नीचे है, आपकी कोई सब्सिडरी कंपनी है भले उसकी नेटवर्थ 500 से नीचे है, आपकी कोई एसोसिएट कंपनी है, कोई ज्वाइंट वेंचर कंपनी है, उसके ऊपर भी इंडेस अप्लाई हो जाएगा 16-17 से मैंडेटरी। तो इसका मतलब कोई भी कंपनी जिसकी इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पर नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो उसके ऊपर और उसकी जितनी भी कोई अगर सब्सिडरी कंपनीज हैं, या वो अगर किसी की सब्सिडरी है और उसकी कोई होल्डिंग कंपनी है, उसकी कोई भी एसोसिएट कंपनीज है, ज्वाइंट वेंचर कंपनीज है, उन सबके ऊपर, मतलब पूरे ग्रुप कंपनीज के ऊपर इंडेस अप्लाई हो जाएगा। इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी इंडेस के अकॉर्डिंग बनाने पड़ेंगे फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम 16-17। एक बार अगर इंडेस अप्लाई हो गया, क्योंकि नेटवर्क 500 से ज्यादा थी, अगले बार अगर नेटवर्क 500 से कम भी हो गई, तो ऐसा नहीं कि अब इंडेस ने लगा के एएस लगाएंगे। वंस इंडेस इज अप्लीकेबल, इट इज अप्लीकेबल फॉर एवर, इट इज अप्लीकेबल ऑलवेज। आप कभी भी फिर वापस एएस में नहीं जा सकते हो, फिर भले आपका नेटवर्क गिर जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है? एक इंपॉर्टेंट और, कौन सा फाइनेंशियल ईयर बोला मैंने? सोचो, अभी मैंने कौन से फाइनेंशियल ईयर से आपको बोला कि मैंडेटरी है? मैंने कहा फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम 16-17 मैंडेटरी बेसिस, ठीक है, मैंडेटरी बेसिस। इसमें नोटिफिकेशन में एक ऑप्शन दे दिया गया,
आप चाहो, जो ये 500 करोड़ वाली कंपनीज है ना उनको बोला जा रहा है, आप चाहो तो 16-17 से जस्ट पहले वाला जो ईयर है 15-16, कौन सा वाला ईयर 15-16, देखो बात को समझो, नोटिफिकेशन कब आया, ये है फाइनेंशियल ईयर आपका 14-15 का, ऊपर देखता हूं, नोटिफिकेशन कब आया, नोटिफिकेशन आया 16th of February 2015 को। अब ये आपका ईयर है 15-16, ये ईयर है 16-17। ध्यान से देखो नोटिफिकेशन की डेट क्या है, 16 फरवरी। कितना अच्छा नोटिफिकेशन आया है, उन्होंने बोला कि ये वाला साल वेट कर लो, यहां से लेकर इंड एस मैंडेटरी बनाना पड़ेगा, ठीक है, पर अगर तुम चाहो भाई, यहां से तो मैंडेटरी है ही है, अगर तुम चाहो तो 15-16 से भी इंड एस वॉलेंट्री बेसिस पर अप्लाई कर सकते हो। सर कौन करेगा, करने वाले करें, करने वाली कंपनीज ने किया भी था, क्यों भाई 15-16 में वॉलंटरी बेसिस पे अप्लाई कर लेते हैं, जो भी गलतियां वलतियां होंगी सब मालूम पड़ जाएगा, 16-17 से अच्छे से अप्लाई हो जाएगा, दिक्कत क्या है। तो इसीलिए वॉलंटरी कंप्लायंस बोला गया कि आप 15-16 से कर सकते हो, अगर नहीं किया तो 16-17 से तो बॉस कोई ऑप्शन ही नहीं, करना ही पड़ेगा, ठीक है। कौन सी कंपनीज की बात चल रही है, वो कंपनीज चाहे लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा हो। सर व्हाट अबाउट दोज कंपनीज जिनकी नेटवर्क 500 करोड़ या उससे ज्यादा नहीं थी, 500 से कम थी। सर व्हाट अबाउट दोज कंपनीज जिनकी नेटवर्क 500 करोड़ से नीचे है, उनको बोला गया कि आप सेकंड स्टेज पे आओगे, आप पहले फेज में नहीं आओगे, आप सेकंड फेज में आओगे। फर्स्ट फेज में सिर्फ 500 करोड़ और मोर, चाहे वेदर लिस्टेड और अनलिस्टेड और उनके सारे ग्रुप कंपनीज, सब्सिडरी होल्डिंग एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर, जिन कंपनीज की नेटवर्क 500 के नीचे थी उनको सेकंड फेज में रखा गया। अब कैसे, लेस देन 5 करोड़ नेटवर्थ, इसमें उन्होंने दो कैटेगरी बनाई, लिस्टेड अनलिस्टेड। लिस्टेड में बोला गया तुम्हारी नेटवर्थ कितनी भी हो, 500 से बस नीचे है ना, अगर 500 से ऊपर है तो तुम तो फर्स्ट फेज में आ गए, 16-17 से तुम्हें मैंडेटरी करना है। पर अगर तुम्हारी नेटवर्क 500 से नीचे है, 400 करोड़ है, 300 करोड़ है, 200 करोड़ है, 100 करोड़ है, नेगेटिव है, नेटवर्क नेगेटिव में भी हो सकता है, एनी अमाउंट ऑफ नेटवर्क बट लेस देन 500 करोड़, ये हमने बात किया लिस्टेड। अनलिस्टेड में बोला गया कि रुक जाइए, बोला गया नेटवर्थ लेस देन 500 बट इक्वल टू और मोर देन 250 करोड़। अब देखो ये चीज मैंने आपको फर्स्ट फेज में नहीं बताया था, मैंने आपको बोला भैया फर्स्ट फेज में क्या है, 500 करोड़ से ज्यादा है कितना भी, कोई भी कंपनी चाहे लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, इट डजंट मैटर। पर अगर 500 करोड़ से नीचे है और अनलिस्टेड है तो उसकी नेटवर्थ 500 से नीचे बट 250 करोड़ मिनिमम होनी चाहिए। तो इन दोनों कंपनीज के ऊपर फाइनेंशियल ईयर 17-18 से इंड एएस मैंडेटरी बेसिस पर अप्लाई किया जाएगा। किस बेसिस पर, मैंडेटरी, मैं फिर से बोल देता हूं, फर्स्ट फेज में कौन सी कंपनीज, वो सारी कंपनीज जिनकी नेटवर्क 500 करोड़ से ज्यादा है, चाहे वो लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो,
आईवासन में, वो सब कंपनी जिनकी नेटवर्क 500 से नीचे है उनको सेकंड फेज में रखो। अब उसमें भी दो हिस्से करो, लिस्टेड अलग, अनलिस्टेड अलग। लिस्टेड के केस में तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, लिस्टेड के केस में बोलने की जरूरत ही नहीं है, कम है, कितनी भी कम है, नेगेटिव में कोई दिक्कत नहीं, फाइनेंशियल 17-18 से अप्लाई करेंगे, ठीक है ना भाई। लिस्टेड है, पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट है, AS लगाना ही नहीं है, सीधी बात है। वहां और पक्का वाला स्टैंडर्ड लगाओ ताकि उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तरीके से ट्रू एंड फेयर व्यू दे, क्योंकि वहां सेबी का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। हाँ, अनलिस्टेड कंपनीज है तो 250 करोड़ के नीचे वाली कंपनीज को छोड़ दो, बख्श दो, उनके ऊपर AS अप्लाई करवाओ। सिर्फ 250 मिनिमम अगर नेटवर्थ है और उससे ऊपर है तो उसके ऊपर AS लगेगा। तो आज की करंट पोजीशन क्या है? करंंट पोजीशन ये है कि AS इज नॉट अप्लीकेबल ऑन दोज अनलिस्टेड कंपनीज हुज नेटवर्थ इज स्टिल लेस देन 250 क्रोर्स। पर अगर किसी भी कंपनी की अगर 250 से आके अगर बढ़ गई आगे चल के तो उसके ऊपर AS लग जाएगा आगे चल के। ऐसा नहीं कि नेटवर्थ 250 कम थी तो अब भले आगे बढ़ जाए तो AS ही लगेगा। जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्रॉस हो जाएगा अगले साल से AS लग जाएगा, ठीक है। दूसरा, वेन वी टॉक अबाउट लिस्टेड कंपनीज, हर प्रकार की लिस्टेड कंपनी के ऊपर AS लगता है। ये पोजिशन है आपकी। मैंने क्या अभी आपको बुक से पढ़वाया? नहीं, मैंने आपको बताया था कि हमारी अप्रोच क्या होगी। मैं पहले पूरा आपको समझाऊंगा बेसिक्स, फिर मैं आपसे बात करूंगा बुक से। अच्छा सर, क्या इनको भी जो ये सेकंड फेज में आ रहा है 17-18, सर इनको भी कुछ वॉलेंट्री कंप्लायंस का बोला गया? हाँ, इनके पास भी ऑप्शन था कि एक साल पहले मतलब 16-17 से वॉलेंट्री कंप्लायंस कर सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, ये आप एक बार लिख लीजिए। इसके अलावा हम अभी बुक से पढ़ेंगे जब, तो हमने ये पहला क्वेश्चन कवर किया, इसमें क्या क्या लिखा है। यहां लिखा है इंक्लूडिंग AS 115 और 116। मैंने ये स्पेसिफिकली इसलिए लिखा है 115 116, क्योंकि ये दोनों AS अभी नए नए आए हैं तो ये भी अप्लाई होंगे फॉर कंपनीज अदर देन बैंकिंग, इंश्योरेंस, NBFCs। एप्लीकेशन ऑफ AS इज मेनली बेस्ड ऑन द लिस्टिंग स्टेटस एंड नेटवर्थ ऑफ द कंपनी। ऑब्वियसली AS अप्लाई कब होंगे डिपेंड करता है आपकी लिस्टिंग है कि अनलिस्टिंग है और क्या बोलते हैं नेटवर्थ क्या है। एज पर द रोड मैप ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ AS, ऑल लिस्टेड कंपनीज एंड कंपनीज हैविंग अ नेटवर्थ ऑफ 250 करोड़ और मोर शैल बी रिक्वायर्ड टू अडॉप्ट AS। सारी लिस्टेड, सारी अनलिस्टेड, वो जिनका नेटवर्थ 250 से ऊपर है उनको AS लगाना पड़ेगा, ठीक है। हम एक ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हम इस क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करेंगे, मतलब आगे चलेंगे। आप चाहो तो जब तक मैं अगर ब्रेक ले रहा हूं आप भी ब्रेक ले लो, पानी वानी पी लो, नाश्ता वाश्ता कर लो, ठीक है ना। बिल्कुल टेंशन मत लेने का, स्टार्टिंग के मैंने आपको बोला भी था कुछ पोर्शन हमारा आपको ऐसा लगेगा कि यार थ्योरेटिकल जा रहा है, बट बिलीव मी वो थ्योरेटिकल नहीं है, वो आपका प्रैक्टिकल नॉलेज है आपका, वो जरूरी है समझना, आगे चल के कैलकुलेशन बेस्ड भी चीजें आएंगी। अभी हम ब्रेक ले रहे हैं, आफ्टर द ब्रेक विल मीट। ब्रेक में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो डेफिनेटली पढ़ सकते हो, अदरवाइज मैं तो आपको पढ़ाऊंगा इसमें, ठीक है। चलो ब्रेक के बाद मिलते हैं, थैंक यू सो मच। सो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले मैंने आपको बोला था कि हम अब बुक से रीड करेंगे जो भी पोर्शन अभी तक हमने पढ़ा, मतलब फेज वाइज कंप्लायंस का जो पोर्शन हमने अभी पढ़ा, फेज 1 में कौन सी कंपनीज, फेज 2 में कौन सी कंपनीज। सर क्या फेज 3 भी है? नहीं है, सिर्फ दो फेजेस हैं, सिर्फ और सिर्फ दो फेजेस हैं, फेज 1 फेज 2। हाँ, मैं बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज और NBFCs कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूं, उनका फेज बाद में आएगा, ठीक है। ठीक है, अब हम रीड कर रहे हैं बुक से, ठीक है, बुक से रीड कर रहे हैं। ब्रेक में आई होप आपने ब्रेक अच्छे से ले लिया होगा, अच्छे से नाश्ता पानी कर लिया होगा। वेट अ मिनट, ओके, या फिर हो सकता है आपने ब्रेक में थोड़ा बहुत पढ़ा भी, डजेंट मैटर। अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूं कि आप पढ़ें। व्हाट इज द फेज वाइज कंप्लायंस ऑफ AS फॉर कॉर्पोरेट्स? अब यहां पर फॉर कॉर्पोरेट्स बोल रहा है तो हम ऑब्वियसली बात है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये बैंक के बारे में नहीं पूछ रहा है, इंश्योरेंस कंपनी, NBFC के बारे में नहीं पूछ रहा है। जब तक वो उन तीनों का नाम स्पेसिफिकली ना ले तो हम उसकी बात भी नहीं करेंगे। अब यहां पर आपको दो बातें समझनी पड़ेंगी, ठीक है ना।
क्या दो बातें सर? एक तो फेज वन और एक फेज टू. फेज वन, ऑब्लिगेशन टू कंप्लाई विद इंड एस फ्रॉम 1st अप्रैल 16. बेटा ये वो 1st अप्रैल 16 मतलब 16-17 फाइनेंशियल ईयर, ये वो मैंडेटरी वाला है. सर यहां पर वॉलेंट्री क्यों नहीं बताया गया? वॉलेंट्री तो, वॉलेंट्री तो अपनी मर्जी पर है ना, जो चीज मैंडेटरी होगी वो बताई जाएगी. वॉलेंट्री के बारे में नीचे लिखा हुआ है, हालांकि आगे लिखा है इन अकॉर्डेंस विद क्लॉज 2 ऑफ सब रूल 1 ऑफ रूल 4 ऑफ कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015. मैंने अभी बताया वो तो रूल्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं. द फॉलोइंग कंपनीज शेल कंप्लाई विद इंड एस विद इफेक्ट फ्रॉम 1st अप्रैल 2016. कौन कौन सी कंपनीज? लिस्टेड और इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग. या तो लिस्टेड कंपनी, या तो ऐसी कंपनी जिसने किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग के लिए एप्लीकेशन फाइल कर ली है, जिसका एप्लीकेशन जा चुका है लिस्टिंग के लिए. सर ये एप्लीकेशन जा चुका है मतलब, मान लीजिए मुझे लिस्टेड कंपनी बनना है, मतलब मुझे अपने शेयर्स को लिस्टिंग करवानी है, तो इसके लिए मुझे सेबी में अप्लाई करना पड़ेगा, मुझे स्टॉक एक्सचेंज में अप्लाई करना पड़ेगा, सेबी से परमिशन लेनी पड़ेगी और स्टॉक एक्सचेंज में अप्लाई करना पड़ेगा, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में. तो अगर मैंने किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में अप्लाई कर लिया है, अभी तक मेरा एप्लीकेशन मंजूर नहीं हुआ है, तो मैं बोलूंगा इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग. एक्सेप्ट कंपनीज लिस्टेड ऑन एसएमई एक्सचेंज. हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अगर कोई कंपनी स्मॉल एंड मीडियम एंटिटी है और वो एसएमई एक्सचेंज में लिस्टेड है. सर ये एसएमई एक्सचेंज क्या होते हैं? अब आपने एक्सचेंज का नाम सुना होगा तो सेंसेक्स, मतलब बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसका प्रोडक्ट है निफ्टी. इसके अलावा आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ इंडिया में सिर्फ ये दो ही प्रकार के एक्सचेंज है? नहीं, इंडिया में कई सारे एक्सचेंज है. अगर कोई ऐसा एक्सचेंज है, ऐसा कोई स्टॉक एक्सचेंज है जो एसएमई कंपनीज को ही लिस्ट करता है, एसएमई एक्सचेंज है, तो ये इंडेक्स उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा. मतलब सारी की सारी लिस्टेड कंपनीज एक्सक्लूडिंग द कंपनीज लिस्टेड ऑन एसएमई एक्सचेंज, उनको हमने यहां से इस इंडेक्स से बाहर रखा है. एक्सेप्ट कंपनीज लिस्टेड ऑन एसएमई एक्सचेंज ऑन एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया हैविंग नेटवर्थ ऑफ 500 crores और मोर. 500 करोड़ टच भी हो गई तो भी फेज वन में आप आ जाओगे, फेज वन में आप आ जाओगे अगर 500 करोड़ टच भी हो गई. मैं फिर से आपको बता देता हूं, सारे के सारे कॉर्पोरेट्स एक्सक्लूडिंग एसएमई एक्सचेंज में अगर कोई कंपनी लिस्टेड है उसको बाहर रखा गया इंडिया से, मतलब इस फेज वन से. ठीक है, दूसरा, अनलिस्टेड कंपनी हैविंग नेटवर्थ ऑफ एटलीस्ट 500 crore, मतलब वही 500 और मोर. और तीसरा, होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी या ज्वाइंट वेंचर या एसोसिएट ऑफ अबव, ऊपर की बताई गई ये दोनों ए और बी, अगर कोई कंपनी ए या बी में फॉल होती है तो उनकी सब्सिडरी, होल्डिंग, एसोसिएट, ज्वाइंट वेंचर, इसको ऐसे समझो, ए लिमिटेड की सब्सिडरी है बी लिमिटेड, या इसको और थोड़ा सा एलेबोरेट कर लेते हैं, एच होल्डिंग कंपनी की एक सब्सिडरी है एस लिमिटेड, एच की एक एसोसिएट कंपनी भी है और एच की एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी भी है. अब मान लीजिए अगर इंड एस एच लिमिटेड के ऊपर अप्लाई होता है, क्योंकि एच एक लिस्टेड कंपनी और उसकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है, अब भले एस की, ए की, जेवी की, इन तीनों की इंडिविजुअल नेटवर्थ भले कुछ भी नहीं होगी, जीरो भी होगी, नेगेटिव भी होगी, तो भी ये फेस वन में आएंगे, ये भी फेस वन में आएगा, ये भी फेस वन में आएगा, और इसका जस्ट उल्टा भी हो सकता है. इसका जस्ट उल्टा भी हो सकता है. कैसे? मान लीजिए इंड एस
कि जो नेटवर्थ की कंडीशन है वो सपोज एच एस लिमिटेड के इंडिविजुअल नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है, पर एच लिमिटेड की नेटवर्थ इंडिविजुअल नेटवर्थ मान लीजिए 300 करोड़ है और एस लिमिटेड की इंडिविजुअल नेटवर्थ मान लीजिए 800 करोड़ है, तो एस के ऊपर तो इंड एस लगेगा ही लगेगा, अब एच के ऊपर भी इंड ए एस लगेगा वो भी फेस वन में, भले एच लिमिटेड की नेटवर्थ 500 से नीचे है। आई मेरी बात समझ में? तो सिर्फ वन वे नहीं है, अगर होल्डिंग के पे लगेगा तो सब्सिडरी पे लगेगा, टू वे है, सब्सिडरी पे लगेगा तो होल्डिंग पे भी लगेगा, ऐसा है। आई बात समझ में? सर क्या क्या चीजें हैं, आइए। कंप्लायंसेस, कंप्लायंसेस ये पहला, ये दूसरा। वॉलेंट्री कंप्लायंस ये ऑप्शनल है और दूसरा मैंडेटरी कंप्लायंस। वॉलेंट्री कंप्लायंस क्या बोलता है, फाइनेंशियल ईयर 15-16 से इंड एस लगाना शुरू कर दो, फाइनेंशियल ईयर 15-16 मतलब अगर आप फाइनेंशियल ईयर 15-16 से इंड एस लगाओगे, द फर्स्ट बैलेंस शीट बेस्ड ऑन इंड एस विल बी ईयर एंडिंग 31st March 16 एंड मैंडेटरी कंप्लायंस इज फ्रॉम 16-17 इट इज फ्रॉम 16-17 द फर्स्ट इंड एस बैलेंस शीट विल बी ऑफ विल बी एज ऑन 31st March 17 ठीक है। सर ये कंपैरेटिव और ट्रांजिशन डेट क्या है, मैं अभी थोड़ी देर के लिए इसको पेंडिंग कर रहा हूं, थोड़ी देर के लिए, आज ही के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा, पर अभी नहीं, अभी नहीं, थोड़ा सा रुक जाइए कि कंपैरेटिव और ट्रांजिशन डेट क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे चर्चा अभी पहले आपको बतानी है डिटेल में, फिर मैं आपको पढ़वाऊंगा। फेज टू मैंडेटरी कंप्लायंस ऑफ इंडिया फ्रॉम 1st April 2017 ठीक है। क्लॉज थ्री, ये था क्लॉज टू, ये है क्लॉज थ्री ऑफ सब रूल वन ऑफ रूल फोर, ये सब आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। फॉलोइंग कंपनीज शेल कंप्लाई विद इंडियस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड्स बिगिनिंग ऑन और आफ्टर 1st April 17 जो भी अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल 2017 या उसके बाद शुरू होगा उनके ऊपर अप्लाई होगा। कंपनीज लिस्टेड और इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग एक्सेप्ट कंपनीज लिस्टेड ऑन SME एक्सचेंज, देखिए जो लिस्टेड एंटिटीज हैं उन सभी के ऊपर इंडेस लगेगा, पर अगर ऐसी कंपनीज जो SME एक्सचेंज में लिस्टेड हैं उनके ऊपर इंडेस नहीं लगेगा, उनके ऊपर इंडेस नहीं लगेगा। कंपनीज लिस्टेड ऑन SME एक्सचेंज याद रखिएगा, उनके ऊपर इंडेस नहीं लगेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कंपनीज लिस्टेड ऑन SME एक्सचेंज शेल कंटिन्यू टू अप्लाई एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यहां पे मैं लिख देता हूं, कंपनीज लिस्टेड ऑन SME एक्सचेंज शेल continue to apply existing accounting standards, that is companies AS rules 2006 ठीक है, याद रखिएगा ये पॉइंट। तो कंपनी लिस्टेड और इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया आउटसाइड इंडिया हैविंग नेटवर्थ ऑफ लेस देन 500 करोड़, देखिए यहां पर लिखा है लेस देन 500, अब लेस देन 500 मेरे भाई 400 करोड़ भी हो सकता है, इट मे बी 400, 300, 200, 100, 50 करोड़, 1 करोड़, नेगेटिव नेटवर्थ कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज लेस देन 500 करोड़। नेक्स्ट, अनलिस्टेड कंपनीज having net worth of more than or equal to 250 but less than 500, see इन दोनों में फर्क देखिए, listed के केस में वो बोल रहा है 500 करोड़ से less than 500 करोड़,
जबकि अनलिस्टेड के केस में बोल रहा है लेस देन 500 करोड़ बट एटलीस्ट 250 करोड़ और मोर. एंड द थर्ड होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट जेवी ऑफ अबव, ये तो आपको पता ही है. दस फ्रॉम 17 अप्रैल 2017 इंडिया शैल अप्लाई टू ऑल लिस्टेड ऑल लिस्टेड एक्सक्लूडिंग एसएमई एक्सचेंज वाली इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेट इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेटवर्थ वेयर इज द अनलिस्टेड कंपनी शैल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद इंडियाज ओनली इफ देयर नेटवर्थ इज इक्वल टू और एक्सीडिंग 250 crores. इन अदर वर्ड्स कंपनी इज मीटिंग द अबव थ्रेशोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एज ऑन 31 मार्च 2018 शैल अप्लाई इंडियाज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018-19. अब सोचो, मान लीजिए किसी कंपनी की नेटवर्थ पहली बार 500 से ऊपर हुई. अभी तक हमारी मान लीजिए, चलो ठीक है, मैं अनलिस्टेड कंपनी, मेरी अभी तक नेटवर्थ 200 करोड़ थी. कब? 31 मार्च 2015 में 200 थी. क्या मुझे इंडेक्स लगाना चाहिए? द आंसर इज नो. 31 मार्च 2016 में मेरी नेटवर्थ 220 करोड़ थी. क्या मुझे इंडेक्स लगाना चाहिए? मैं अनलिस्टेड कंपनी हूं, अनलिस्टेड, मेरी नेटवर्थ 220 थी ईयर एंडिंग 16 में. क्या मुझे इंडेक्स लगाना चाहिए? नो. ईयर एंडिंग 17 में मेरी नेटवर्थ 249 करोड़ थी. मैं अनलिस्टेड हूं, नेटवर्थ 249 करोड़ है ईयर एंडिंग 17 पे. क्या मुझे इंडेक्स लगाना चाहिए? नो. ईयर एंडिंग 18 में मेरी नेटवर्थ क्रॉस हो गई 250 से, इट वॉज 260 करोड़. ईयर एंडिंग 18 में आई एम द अनलिस्टेड कंपनी. नाउ व्हेन आई हैव क्रॉस्ड द नेटवर्थ 31 मार्च 2018 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मेरी नेटवर्थ हो गई 260 crores. I crossed 250. अब obviously नेटवर्थ कहां से देखोगे? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो 31 मार्च 2018 के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नेटवर्थ आ गई 260 crores as per existing accounting standards. Now अगले साल से, नेक्स्ट ईयर से, मतलब 18-19 से मुझे Ind AS लगाना पड़ेगा मैंडेटरी बेसिस पे. समझ गए? इसका भी सेम, एक तो वॉलेंट्री कंप्लायंस ऑप्शनल, एक मैंडेटरी. ऑप्शनल जो है वो 16-17 से और मैंडेटरी है 17-18, मतलब पहली बैलेंस शीट ईयर एंडिंग 18 की बनेगी. ये मैं पेंडिंग कर रहा हूँ कंपैरेटिव और ट्रांजिशन डेट. मैं अभी इस पे आऊंगा क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ट्रांजिशन डेट स्पेशली. मैं इस पे अभी थोड़ी देर बाद में आऊंगा. ये भी पॉइंट मैं अभी छोड़ रहा हूं, पेंडिंग कर रहा हूं क्योंकि कंपैरेटिव है. ठीक है, पहले हम चलते हैं नेटवर्थ पे. हम पहले नेटवर्थ को देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे. बच्चों एक बात बताओ, ये नेटवर्थ क्या होती है? और ऐसा तो है नहीं कि नेटवर्थ का नाम आप पहले कभी सुने नहीं हो. मुझे लगता है नेटवर्थ जब से हमने होश संभाला है एज अ कॉमर्स स्टूडेंट या एज अ CA स्टूडेंट, तब से हमने सुना होगा. अगर हम एज अ कॉमर्स स्टूडेंट बात करें तो हमने +1 +2 में कभी ना कभी सुना होगा, एटलीस्ट CA फाउंडेशन में तो या CPT में तो सुना होगा. ठीक है ना, साइंस बैकग्राउंड वाले बोलेंगे ओए सर +1 +2 में हमारा साइंस था, हमने होश नहीं संभाला था कॉमर्स में, तो भाई CA फाउंडेशन में तो संभाला होगा. अब कुछ बोलेंगे सर डायरेक्ट एंट्री वाले हैं, फाउंडेशन में नहीं दिया था, डायरेक्ट हमने इंटर में आए थे. ओ भाई साहब डायरेक्ट एंट्री वाले, आपने BCOM में तो नाम सुना होगा एटलीस्ट. ठीक है, सो नेटवर्थ को हम नेट असेट बोलते हैं, नेटवर्थ को हम शेयर होल्डर फंड भी बोल सकते हैं. नेटवर्थ, नेट असेट्स, शेयर होल्डर फंड, इक्विटी, ये सब इंटरचेंजेबल नेम्स हैं, पर इसका मीनिंग मोर और लेस सेम होता है. अच्छा, नेट असेट मतलब क्या? ऑल असेट्स माइनस ऑल लाइबिलिटीज. ऑल असेट्स माइनस ऑल लाइबिलिटीज मतलब असेट में से लाइबिलिटी माइनस करो तो आपका बैलेंस शीट में जो बाकी बची हुई चीजें हैं वो आपकी नेटवर्थ होगी. अगर मैं बोलूं कि ऑल असेट माइनस ऑल लाइबिलिटी ना करके मैं सिर्फ बैलेंस शीट की बची हुई चीजों को ही प्लस करूं, इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंशियल कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो वो भी तो नेटवर्थ बन जाएगा. तो नेटवर्थ निकालने के एक तरीके से दो तरीके हुए, या तो सीधा कान पकड़ो मतलब इक्विटी कैपिटल प्लस प्रेफरेंशियल कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, या तो ऐसे कान पकड़ो, ऐसे कान पकड़ो मतलब असेट माइनस लायबिलिटी करो,
नेटवर्थ को डिफाइन किया गया है कंपनीज एक्ट में, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 में नेटवर्थ को डिफाइन किया गया है कि नेटवर्थ में क्या क्या आएगा। पहली बात है, हम अभी उसमें देखेंगे क्या क्या आएगा। पहली बात, अब यहां पर सबसे बड़े दो सवाल उठते हैं कि पहली बात तो मुझे नेटवर्थ कौन सी डेट की देखनी है। मैंने अभी आपको बताया था कि जो नोटिफिकेशन आया था, कहां गया नोटिफिकेशन, देखो जो नोटिफिकेशन आया था वो कब आया था, 16 फरवरी 2015 को। जब यहां नोटिफिकेशन आया था, अरे यार, जब यहां नोटिफिकेशन आया था तो ये बोला गया था कि आपको नेटवर्थ देखनी है 500 करोड़ से ऊपर है कि नहीं, 250 करोड़ से, 250 करोड़ से ऊपर है कि नहीं, 500 करोड़ से ऊपर है कि नहीं। आप यहां खड़े होके जब नोटिफिकेशन पढ़ रहे होगे, 16 तारीख को नोटिफिकेशन आया, 17 तारीख को अचानक आपकी आंख खुली, आप चाय पी रहे थे, अचानक से आपने पेपर पढ़ा कि एमसीए का नोटिफिकेशन इंडिया सप्लाई हो गया, ओ माय गॉड, आपने गूगल किया मोबाइल फोन पे बैठे बैठे, आपने मोबाइल में एमसीए का नोटिफिकेशन निकाला, आपने देखा यार कौन सी नेटवर्थ है, क्या है क्या, आपने रूल्स पढ़े, देखा तो नेटवर्थ चेक करनी है, आपने नेटवर्थ देखा कि नेटवर्थ हमें किस दिन की देखनी है, क्या नेटवर्थ मुझे ईयर एंडिंग 31 मार्च 15 की देखनी है, क्या ईयर एंडिंग 31 मार्च 16 की देखनी है, या फिर बल्कि और पहले ईयर एंडिंग 31 मार्च 14 की देखनी है, या फिर कब की देखनी है यार, या फिर इसी दिन की देखनी है। इस दिन तो हालांकि ऑडिट हुआ ना, इस दिन तक का तो ऑडिट होता नहीं है, ऑडिट तो 31 मार्च का होता है। देखो इंडेस बनाते वक्त, एमसीए का नोटिफिकेशन निकालते वक्त बहुत ही दिमाग से काम लिया गया है। अगर नोटिफिकेशन में यह बोल दिया गया होता, समझना ये प्रैक्टिकल पॉइंट है, अगर नोटिफिकेशन में यह बोल दिया गया कि नेटवर्थ यहां की चेक करेंगे या यहां की चेक करेंगे, समझ रहे हो मेरी बात, अगर उन्होंने बोला होता कि 31 मार्च 15 की चेक करेंगे या 31 मार्च 16 की चेक करेंगे, नोटिफिकेशन आ गया था 16 फरवरी 2015, स्टिल हमारे पास 1.5 मंथ्स रखे हुए हैं, और अगर नेटवर्थ वो यहां की बोलता, और अगर मान लीजिए किसी कंपनी का इंटेंशन है कि उसको इंडिया जानबूझ के अप्लाई नहीं करना है, तो वो अपनी नेटवर्थ में विंडो ड्रेसिंग कर सकती थी, वो नेटवर्थ उसके हाथ में था चेंज करना, स्पेशली वो कंपनी जिनका नेटवर्थ नियर अबाउट 500 के आसपास फिट हो रहा है, वो ऊपर नीचे कर सकती थी, मतलब उनके पास एक ऑप्शन हो जाता कि चलो यार इस बार हमें भैया इतनी जल्दी अप्लाई नहीं करना है, छोड़ो 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 भागो, थोड़ा नेटवर्थ को कम कर दो, कुछ विड्रॉवल्स दिखा दो, कुछ लॉसेस, कुछ प्रॉफिट कम कर दो, व्हाटएवर, नेटवर्थ को कम कर दो 500 से नीचे, हम अभी इंडेज विंडेज के लिए तैयार नहीं। तो इसीलिए सोचा गया कि यार देखो अगर हम फ्यूचर के नेटवर्थ का बताएंगे, बोलेंगे कि वो चेक करो, तो फ्यूचर की नेटवर्थ तो अभी निकली नहीं है, वो तो आप कंपनीज के हाथ में, क्यों ना ऐसी नेटवर्थ बोली जाए जो कहीं ना कहीं ऑलरेडी निकाली जा चुकी है। नोटिफिकेशन डेट पर आप समझ सकते हो 16 फरवरी 2015 पिछले साल का ऑडिट हो चुका होगा, तो पिछले साल की जो नेटवर्थ थी, मतलब 31 मार्च, ये वाली नेटवर्थ 31 मार्च 14, नोटिफिकेशन में बोला गया कि सबसे पहले तो आपको नेटवर्थ चेक करनी है 31 मार्च 14 की, यहां की नेटवर्थ चेक करनी है, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। सर मान लीजिए 31 मार्च 14 को हमारी नेटवर्थ 490 करोड़ थी, इसका मतलब हमारे ऊपर इंडिया सप्लाई नहीं होगा, समझना, बहुत सारे डिफरेंट केसेस हैं। केस नंबर वन, 31 मार्च 14 को मेरी नेटवर्थ 500 करोड़ टच थी, इसका मतलब श्योर शॉट है मैं फेस वन में आ चुका हूं, मेरे ऊपर अब ऑप्शनल है मुझे कि मैं 15-16 से करूं या ना करूं, नहीं तो 16-17 से तो करना ही पड़ेगा। क्लियर, 31 मार्च 14 को मेरी नेटवर्थ 500 करोड़ से नीचे थी, तो क्या अब मैं बल्ले बल्ले करूं, अब मैं बल्ले बल्ले करूं, क्यों सर, क्योंकि मैं 31 मार्च 14 की नेटवर्थ बोली गई है, अब तो मेरा 500 से नीचे बस इंडेस लगेगा नहीं, तो इसको बोला गया कि रुक जा बल्ले बल्ले मत कर, 31 मार्च 14 को अगर मान ले तेरी नेटवर्थ नहीं होती है 500 करोड़ टच नहीं होती, तो 31 मार्च 14 के बाद जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाएगा 16-17 से पहले पहले, देखो फेज वन कब शुरू हो रहा है, मैंडेटरी वाला, मैं ऑप्शनल वाले की बात नहीं कर रहा हूं,
मैंडेटरी वाला फेस वन कब शुरू हो रहा है? 1617। अब 1617 जब शुरू हो रहा है तो उससे पहले के दो और बैलेंस शीट डेट आने वाली है। तो नोटिफिकेशन में बोला गया कि अगर तेरी नेटवर्थ 31 मार्च 2014 में 500 करोड़ नहीं भी होती, कोई बात नहीं, अगली जो भी तेरी बैलेंस शीट बनेगी, मतलब 31 मार्च 2015, उसमें चेक कर लेना तेरी नेटवर्थ कितनी है। तो सर ये तो वही वाली बात हो गई, ये तो अब हमारे हाथ में हो गया, हम तो थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, क्या करें, जितना पॉसिबल था उतना हमने रोक लिया, अब पूरा तो पॉसिबल नहीं है, और वो भी वही कंपनी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकती है, जहां चांस हो सकता है रिस्क लेने का, जिसकी नेटवर्क पॉसिबल ही नहीं है, 500 के आसपास भी नहीं, वो ऊपर ही जा रही है, उसके लिए चांस नहीं है। तो बोला गया कि 31 मार्च 2014 को अगर 500 नहीं भी है, 500 नहीं भी है, तो चेक द नेटवर्थ ऑफ नेक्स्ट बैलेंस शीट डेट, उसमें अगर है क्या। तो हमने यहां चेक किया, यहां हमारी 510 हो गई, 31 मार्च 2015 में हमारी 510 हो गई। स्टिल आई विल अप्लाई इंड एस एज पर फेस वन कंप्लायंस, स्टिल मैं 1617 में ही रहूंगा। मान लो सर यहां पे भी नहीं हुई, 500 से ऊपर नहीं हुई, स्टिल 1617 स्टार्ट होने से पहले आपका एक और आ रहा है 31 मार्च 2016। क्या 31 मार्च 2016 को 500 से बढ़ गई क्या? यस, स्टिल आई विल बी कवर्ड अंडर फेस वन कंप्लायंस। सर मान लीजिए यहां भी नहीं हुआ, अब मैं फेस वन कंप्लायंस में नहीं आऊंगा, फेस टू में आ सकता हूं, क्योंकि 500 टच नहीं हुई पर 250 टच नहीं हुई पर 250 से तो ऊपर है, या अगर मैं लिस्टेड हूं तो 500 से तो नीचे है, तो मैं फेस टू में तो आ सकता हूं। आ रही मेरी बात समझ में? सो नेटवर्थ कब देखनी है बेटा? आपको नेटवर्थ देखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट आपको नेटवर्थ देखनी है 31 मार्च 2014। अगर 31 मार्च 2014 की नेटवर्थ नहीं है उस लिमिट में, थ्रेशोल्ड लिमिट फॉलो नहीं होती, कोई बात नहीं, उसके बाद के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के आपको नेटवर्थ चेक करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। जिस टाइम पे आपका वो क्रॉस हो गया थ्रेशोल्ड, अगले साल से अप्लाई हो जाएगा, सिंपली। आई बात समझ में? यहां आपका थ्रेशोल्ड फॉल हो गया तो अगला साल तो आपका वैसे भी वॉलेंट्री है, करो नहीं करो कोई दिक्कत नहीं, पर 1617 से तो मैंडेटरी अप्लाई हो जाएगा। समझ गए? क्लियर बेटा? तो एक तो मैंने आपको बताया कि नेटवर्थ का आपको टाइमिंग चेक करना है। अच्छा, एक और चीज सर, मान लीजिए ऐसी कोई कंपनी थी जो 31 मार्च 2014 पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? सर कोई ऐसी कंपनी जो सर इनकॉर्पोरेट ही नहीं थी 31 मार्च 2014 को, वो तो सर न्यूली कंपनी बनी 2014-15 में या 2015-16 में, उसका क्या? कोई बात नहीं, अगर ऐसी कंपनी जो 31 मार्च 2014 में इनकॉर्पोरेटेड ही नहीं थी, जो 31 मार्च 2014 के बाद इनकॉर्पोरेट हुई है, तो उसकी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फर्स्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे, उसमें चेक कर लो, उसमें नहीं है तो अगले में चेक कर लो, उसमें नहीं तो उसके अगले चेक कर लो। कहने का मतलब, यू फर्स्ट हैव टू चेक द नेटवर्थ ऑफ कंपनी ऑन 31 मार्च 2014। इफ एनी पर्टिकुलर एंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट ऑन 31 मार्च 2014, नॉट एन इशू, द फर्स्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी कंसिडर्ड आफ्टर 31 मार्च 2014। उसमें भी नहीं है, देन द नेक्स्ट वन, उसमें भी नहीं है, देन द नेक्स्ट वन। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर नेटवर्थ में क्या क्या आता है। अगर लेमेन लैंग्वेज में बात करें, बिना एक्ट को ध्यान में रखते हुए, तो नेटवर्थ मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंशियल कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, सिंपली माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस। पर नेटवर्थ को कंपनीज एक्ट ने डिफाइन किया है। सर क्या डिफाइन किया है? आइए, नेटवर्थ को कंपनीज एक्ट ने डिफाइन किया है, टोटल पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप, अनपेड पोर्शन नहीं। अब मान लीजिए कंपनी ने 1 लाख रुपीज का शेयर कैपिटल इशू किया, उसमें से 90,000 रुपीज वॉज पेड अप, 10,000 वॉज अनपेड, तो सिर्फ 90,000 को गिना जाएगा, प्लस फ्री रिजर्व्स एक्सक्लूडिंग रिवैल्यूएशन रिजर्व। सर ये क्या होता है?
रिवोल्यूशन रिजर्व भूल के ना लगा, आईपीसीसी पे पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, AS 10 PPE प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, बोलो हाँ पढ़ा था, या छोड़ के चले गए थे नलायकों। तो AS 10 में PPE पढ़ा था, और PPE में आपने पढ़ा था रिवैल्यूएशन मॉडल, कि आप अपनी PPE को रिवैल्यू जब करते हो, अपवर्ड रिवैल्यू करते हो, जब उसकी वैल्यू बढ़ाते हो, फेयर वैल्यू पे लेके आते हो, तो जो भी उसका गेन होता है फेयर वैल्यू गेन, वो आप रिवैल्यूएशन सरप्लस में ले जाते हो, वो P&L में नहीं जाता, रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाता है, वो रिजर्व से सरप्लस में पड़ा रहता है। तो आपको सारे के सारे रिजर्व्स को ऐड करना है, बट आपको रिवैल्यूएशन रिजर्व को ऐड नहीं करना है। सर क्यों? क्योंकि वो अनरियलाइज्ड नेचर का रिजर्व होता है। अनरियलाइज्ड मतलब सच्ची मुच्ची में मुझे कैश में प्रॉफिट नहीं हुआ है, रियलाइज तो वो तब होगा जब मैं एसेट बेचूंगा। प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट माइनस एक्यूमुलेटेड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस माइनस डेफर्ड एक्सपेंडिचर एंड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग रिटर्न बैक ऑफ डेप्रिसिएशन, पेड अप शेयर कैपिटल। अब यहां पर पेड अप शेयर कैपिटल बोल रहा है, तो यहां पर इक्विटी प्लस प्रेफरेंस दोनों आ गया, इक्विटी कैपिटल प्लस प्रेफरेंस कैपिटल, पर वो पेड अप होना चाहिए। फ्री रिजर्व्स एक्सक्लूडिंग रिवैल्यूएशन सरप्लस या रिवैल्यूएशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस भी आएगा, माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस होंगे, माइनस अगर आपके पास कोई डेफर्ड एक्सपेंडिचर है जो आपकी बैलेंस शीट में ऑलरेडी दिख रहा है। ऑल दो मैं आपको एक बात बता दूं, डेफर्ड एक्सपेंडिचर और मिसलेनियस एक्सपेंस आपको पढ़ाया गया होगा, अगर आप मुझसे पढ़े हैं या कहीं और से भी पढ़े तो आपको पढ़ाया गया होगा कि AS 26 के अकॉर्डिंग ये डेफर्ड एक्सपेंस पूरे के पूरे P&L में जाते हैं। बट मान लो किसी कंपनी ने AS 26 फॉलो नहीं किया और उन्होंने अपनी बैलेंस शीट में दिखाया है, तो डेफर्ड एक्सपेंडिचर माइनस होगा, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर सब माइनस होंगे, जैसे अंडरराइटिंग कमीशन नॉट रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट गिवन नॉट रिटर्न ऑफ वगैरह वगैरह, एक्सक्लूडिंग रिटर्न बैक ऑफ डेप्रिसिएशन, अगर आपने डेप्रिसिएशन को राइट बैक किया है, मतलब अरियर्स वाला कुछ है तो उसको छोड़कर, ये सब आपकी नेटवर्थ में आएगी। ठीक है, अब इसमें नेटवर्थ में और क्या आएगा, दो चीजें इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछा जाए। आपको याद है इंटर में, आईपीसीसी इंटर में आपका जो चैप्टर था ईसॉप, याद है आपको ईसॉप का जो चैप्टर था उसमें हम एक एंट्री पास करते थे एम्प्लॉई कॉम्पनसेशन एक्सपेंस डेबिट टू एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। और ये जो एम्प्लॉई ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट है, अगर आप मुझसे पढ़े तो मैंने आपको बताया भी था कि ये रिजर्व एंड सरप्लस में जाता है। मान लीजिए कोई ऐसी कंपनी है जिसकी बैलेंस शीट में ईसो आउटस्टैंडिंग भी दिख रहा है 31 मार्च 2014 को, या फिर बैलेंस शीट डेट पर वो 14 हो चाहे 15 हो, ईसो आउटस्टैंडिंग भी दिख रहा है और वो रिजर्व एंड सरप्लस में दिख रहा होगा। तो अगर वो रिजर्व एंड सरप्लस में दिख रहा होगा तो क्या मुझे उस ईसो आउटस्टैंडिंग को भी प्लस करना है, मतलब कंसीडर करना है कि इग्नोर करना है? तो आइए पढ़ते हैं। ईसॉप रिजर्व एक तो ये, और दूसरा कैपिटल रिजर्व मेड आउट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। आपने पढ़ा होगा AS 12, अगर इंटरमीडिएट के न्यू सिलेबस के स्टूडेंट है तो AS 12 आपके ग्रुप 1 में था, अगर आईपीसीसी के स्टूडेंट थे पुराने सिलेबस वाले तो आपके ग्रुप 2 में था। तो AS 12 बोलता था कि अगर आपको कोई भी कैपिटल नेचर की ग्रांट मिली है, प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन याद आ रहा है कुछ कुछ, या फिर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स रिलेटेड, तो आप उसको कैपिटल रिजर्व में बुक करते हो और वो ग्रांट है आपको रियलाइज हुई है, तो कैपिटल रिजर्व मेड आउट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट शैल बी अ पार्ट ऑफ नेटवर्थ फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग इंड एएस एप्लीकेबिलिटी। याद रखिएगा, एक्चुअली ये दोनों अलग से मैंने क्यों बताए हैं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ब्रेक से पहले, ITFG इंड एएस ट्रांजिशन फैसिलिटेशन ग्रुप क्लैरिफिकेशन, इंस्टीट्यूट ने इसका एक ग्रुप बना के रखा है, इंस्टीट्यूट से जब भी इंड एएस पे कुछ डाउट्स पूछे जाते हैं तो इंस्टीट्यूट उसका जवाब देता है। इंस्टीट्यूट ने क्लैरिफिकेशन दिया, एक कंपनी ने पूछा कि हमारे पास ईसॉप रिजर्व है
और हमारे पास कैपिटल रिजर्व पड़ा हुआ है, गवर्नमेंट ग्रांट हमें मिली थी, क्या हम नेटवर्थ के लिए वो भी इंक्लूड करना चाहिए? द आंसर इज येस. इंस्टीट्यूट ने बोला था कि येस, वो भी इंक्लूड करना चाहिए. तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है. ये मैंने ITFG क्लैरिफिकेशन से लिया है. ITFG क्लैरिफिकेशन, ठीक है, इतना समझ में आया. ऊपर क्या लिखा हुआ है? नेटवर्थ फॉर द कंपनी ऑफ कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ इंड एस. द टर्म नेटवर्थ शैल हैव द शैल हैव द मीनिंग असाइन टू इट इन क्लॉज 57 ऑफ सेक्शन 2. सेक्शन 2 के क्लॉज 57 में नेटवर्थ को डिफाइन किया गया है. वही वाली नेटवर्थ की डेफिनेशन लेंगे. फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन नेटवर्थ द फॉलोइंग प्रिंसिपल शैल अप्लाई. सबसे पहले तो नेटवर्थ शैल बी कैलकुलेटेड इन अकॉर्डिंग विद द स्टैंड अलोन. हाँ सर, एक कंपनी की नेटवर्थ चेक करेंगे तो उसके इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे कि उसके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे? आई होप आपको पता होगा कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या फर्क होता है. कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब जब एक होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के भी नेट असेट्स को मर्ज करती है अपनी बैलेंस शीट में, मतलब दोनों की बैलेंस शीट को मर्ज होती है, तो उसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. और अगर मान लीजिए मैं मर्ज नहीं कर रहा हूं, मैं बिना मर्ज के हुए सिर्फ अपने ही चीजें दिखा रहा हूं, तो मैं उसको बोलता हूं स्टैंड अलोन, मतलब सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो मुझे कभी भी नेटवर्थ के लिए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं देखना, मुझे हमेशा इंडिविजुअल मतलब स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना है एज ऑन 31st March 2014 का. और द फर्स्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर अकाउंटिंग पीरियड विच एंड्स आफ्टर 31st March, 31st March 2014 या 31st March 2014 के बाद जो भी पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगा वो, या फिर फॉर कंपनीज विच आर नॉट इन एग्जिस्टेंस ऑन 31st March 2014. ऐसी कंपनी जो 31st March 2014 को एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, या फिर एग्जिस्ट करती थी बट 31st March 2014 को उनकी नेटवर्थ उस थ्रेशोल्ड में नहीं आ रही थी. एग्जिस्टिंग कंपनी फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द थ्रेशोल्ड स्पेसिफाइड इन सब रूल 1 फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 31st March 2014. या तो 31st March 2014 को कोई कंपनी थी नहीं वो, या तो वो थी पर उसकी नेटवर्थ 31st March 2014 के बाद जाके इंक्रीज हुई है, फिर क्या होगा? ऐसे केस में द नेटवर्थ शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंडिंग आफ्टर दैट डेट. 31st March 2014 के बाद जो भी आपने पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है उस डेट का नेटवर्थ चेक कर लो, उस डेट पे नहीं है उसके अगला वाला चेक कर लो. ऐसा क्लियर हुआ? समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला पोर्शन. क्लियर बेटा? मैंने आपको एक चीज बताई थी, इंड एस एक बार अप्लाई हो गया फिर आप रिवर्स बैक नहीं कर सकते. ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरी अगले सालों में नेटवर्थ कम हो गई तो वापस मैं AS में जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता. पॉइंट नंबर ये वाला, इंड एस वंस रिक्वायर्ड टू बी कंप्लाइड विद इन अकॉर्डिंग विद द कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015 शैल अप्लाई टू बोथ स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेट. अगर मेरे ऊपर इंड एस लग गया तो मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, चाहे वो स्टैंड अलोन होंगे मतलब इंडिविजुअल, चाहे वो कंसोलिडेटेड होंगे, मैं दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंड एस के अकॉर्डिंग ही बनाऊंगा. ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये रिपीट हो रहा है. जो कंपनीज 31st March 2014 को नहीं थी या फिर थी भी बट उनकी थ्रेशोल्ड जो 500 या 250 है वो 31st March 2014 के बाद अट्रैक्ट हो रही थी, उनके लिए क्या होगा वो हमने पॉइंट पढ़ लिया. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. जय चावला लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया हैविंग नेटवर्थ ऑफ 5000 crores. क्या मेरे ऊपर इंडेक्स लगेगा? बिल्कुल लगेगा, लगाएंगे, सीना ठोक के लगाएंगे अपन इंडेक्स, टेंशन नहीं है अपने को. जय चावला लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी जो कि इंडिया में नहीं है, फॉरेन कंट्री में, ओवरसीज सब्सिडरी उसको बोलूंगा. क्या बोलूंगा? ओवरसीज सब्सिडरी जो कि फॉरेन कंट्री में है, जय चावला लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी दामिनी लिमिटेड. क्या इंडेस दामिनी लिमिटेड पे भी लगेगा? क्या इंडेस दामिनी लिमिटेड के भी इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर इंडेस लगेगा? तो थोड़ा सा इसका एनालिसिस करते हैं.
पहली बात, जय चावला लिमिटेड कौन सी है? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट। तो मेरे ऊपर इंडियस लगेगा लगेगा, क्योंकि मेरी, मैं तो कंपनीज एक्ट में आ रहा हूँ और मेरा, मैं फेस वन में आ रहा हूँ। मोर देन 5,000 करोड़, आप टेंशन नहीं है अपने को। क्या दामिनी लिमिटेड इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 इंडिया वाले में? आंसर इज नो। भले वो मेरी सब्सिडियरी कंपनी है, बात ठीक है, पर क्या दामिनी लिमिटेड इंडियन कंपनी है? नहीं। तो दामिनी लिमिटेड अगर ओवरसीज सब्सिडियरी है, तो जब वो खुद के अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी, तो वो कंपनी तो रजिस्टर्ड है फॉरेन कंट्री में ना, तो उसके ऊपर तो फॉरेन कंट्री के लॉज लगेंगे ना, तो उसके ऊपर तो फॉरेन कंट्री के लॉज लगेंगे, तो फॉरेन कंट्री के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगेंगे। फॉर एग्जांपल IFRS लगेगा ना, इंडियस पे लगेगा। तो इसका मतलब जो ओवरसीज सब्सिडरी होती है उसके स्टैंडअलोन पे इंडियस नहीं लगता है। हाँ, बट जब उस ओवरसीज सब्सिडरी को जय चावला लिमिटेड कंसोलिडेट करेगा इंडिया में, तो कंसोलिडेशन पे तो हमने बोला ही कि इंडियस लगेगा। सिंपल। ओवरसीज सब्सिडरी एसोसिएट, ना सिर्फ सब्सिडरी, ओवरसीज एसोसिएट, ओवरसीज ज्वाइंट वेंचर, अदर सिमिलर एंटिटीज ऑफ इंडियन कंपनी मे प्रिपेयर इट्स स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्पेसिफिक ज्यूरिसडिक्शन, प्रोवाइडेड दैट सच इंडियन कंपनी शैल प्रिपेयर इट्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद इंडियस, इधर वॉलंटरी और मैंडेटरी। जो वो वाली कंपनीज है ओवरसीज सब्सिडरी एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर, वो अपने उनके कंट्री, उनके रीजन में जो भी स्पेसिफिक ज्यूरिसडिक्शन अप्लाई होता है वो उनके अकॉर्डिंग बनाएंगे। हाँ, पर जो इंडियन कंपनी है वो जब कंसोलिडेशन करेगी तो वो तो फिर इंडिया के अकॉर्डिंग करेगी। लास्ट पॉइंट ये वाला, इस पॉइंट, इस पैराग्राफ का लास्ट पॉइंट, सेशन का लास्ट पॉइंट नहीं रहे, सेशन 3 घंटे से पहले खत्म नहीं होने दूंगा मैं, है ना। फर्स्ट लेक्चर है, मैं जानता हूं फर्स्ट लेक्चर स्टार्टिंग में जब स्टूडेंट आता है, मैंने बहुत करीब से ये चीज़ देखी है, क्योंकि भोपाल में मेरा खुद का दामिनी और मेरा खुद का डी फॉर्चून क्लासेस के नाम से हमारा सेंटर है, मैं पिछले 9 साल से पढ़ा रहा हूँ। इनिशियली स्टूडेंट्स, 90% स्टूडेंट्स, जो मेरा ध्यान है, इनिशियली 90% स्टूडेंट्स, माइट भी, मैं गलत भी हो सकता हूं, पर 90% स्टूडेंट्स इतना सीरियस नहीं होते पढ़ाई को लेकर, जितना वो सीरियस हो जाते हैं आखिरी के 1 साल में, या फिर करंट बैच के ही जो बैच चलता रहता है, तो इनिशियली वो 10-15 क्लासेस में इतना सीरियस नहीं होते जितना वो सीरियस हो जाते हैं लास्ट टाइम की क्लासेस में। और एज ए स्टूडेंट मैं भी सोचता हूँ कि हाँ यार सही, तो यार पहली पहली क्लास स्टूडेंट सोचता है यार खत्म करो यार, बोर कर रहा है साला सामने वाला। तो मैं जानता हूँ कि थोड़ा सा अजीब है, बट फर्स्ट सेशन क्या करें, हमेशा लंबा मेरा होता ही है। रीज़न मुझे एक तो इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, और इंट्रोडक्शन बड़ा बड़ा ज़रूरी है, ऐसा तो है नहीं कि यार बिना इंट्रोडक्शन के मैं आपको बोलूँ चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यार, जो ज़रूरी है देखना। अब आजकल तो क्या है, पेन ड्राइव क्लासेस का ज़माना है, वर्क फ्रॉम होम, स्टडीज़ फ्रॉम होम का ज़माना है, तो बच्चा तो अपने हिसाब से चलो ठीक है मैंने इंट्रोडक्शन अभी देख लिया, आप 2 घंटे बाद क्लास स्टार्ट करूँगा, फिर लेक्चर उठाया चलो यार ब्रेक हो गया आप 2 घंटे बाद करूँगा। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, एक छोटी सी सजेशन दूंगा, सलाह दूंगा, प्लीज़ एक रिक्वेस्ट भी है सजेशन के साथ, वो एक कॉमन रिक्वेस्ट भी है। बच्चों अगर लेक्चर देखना शुरू कर रहे हो ना, अगर आप एक लेक्चर देखना शुरू कर रहे हो ना, तो उसको एट ए स्ट्रेच सेम डे पे कंप्लीट कर लेना। एक ही लेक्चर को अगर आप 2-2, 3-3 दिन चलाओगे कि चलो अभी मैंने 1-1.5 घंटा देख लिया, बाद में बाकी का देखूंगा, मजा नहीं आएगा। सीरियसली बोल रहा हूं, मजा नहीं आएगा। एक तरफ तो अपन क्या बोलते हैं, सर कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, सर जल्दी होगा कि नहीं होगा, सर बाकी सब्जेक्ट भी करने हैं, और दूसरी तरफ हम थोड़ा बहुत खुद ही स्लो हो जाते हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप पहली बात तो जिस माहौल में आप पढ़ोगे, जब लेक्चर देखोगे,
तो आपके आसपास कोई भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए डिस्टर्ब करने वाला, बातें करने वाला भी नहीं होना चाहिए। ऐसे केस में आप या तो रात रात में देखो या तो अर्ली मॉर्निंग देखो, पर एट अ स्ट्रेच सेम डे पे एक लेक्चर खत्म करने का मतलब खत्म करने का, सीधी बात है, रूल बनाने का। और अगर वो रूल ब्रेक हो रहा है तो आप अपने आप को पनिशमेंट देने का, लिटरली बोल रहा हूं, अपने आप को पनिशमेंट देने का कि ओ शिट आज मैंने खत्म नहीं किया, आज मैं अपने आप को पनिशमेंट दूंगा। क्या पनिशमेंट दूंगा? मैं 2 दिन तक मीठा नहीं खाऊंगा, कुछ भी हो जाए, दूध भी फीका पीऊंगा, चाय भी फीकी पीऊंगा। सी आपको ये चीज मजाक लग रही होगी बट करके देखना, सीरियसली बोल रहा हूं, एक बार करके देखना। छोटी छोटी पनिशमेंट्स, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कोई बड़ी पनिशमेंट, अपने आप को थप्पड़ मारूंगा या मम्मी को बोलूंगा मेरे को थप्पड़ मारो, ये सब इनप्रैक्टिकल चीजें हैं। छोटी छोटी पनिशमेंट कि ना मैं आज बाहर घूमने नहीं जाऊंगा, मेरे से गलत हुआ यार, बहुत ही गलत हुआ, मेरा टारगेट आज फुलफिल नहीं हुआ, मैंने अपने आप को पनिशमेंट दिया, मैं आज बाहर घूमने नहीं जाऊंगा, मैं दोस्तों से नहीं मिलूंगा 2 दिन तक। वो जो मैं रोज रोज बाहर जाता हूं ना चाइनीज खाने या बाहर का बर्गर खाने, मैं लगातार 1 हफ्ते तक बाहर का नहीं खाऊंगा। ये अपने आप को पनिशमेंट दो, जिससे ये जो पनिशमेंट मैं आपको बोल रहा हूं ना, इससे कहीं ना कहीं आपके शरीर पे भी पॉजिटिव इंपैक्ट ही पड़ेगा ना भाई। मीठा खाना छोड़ोगे 2 दिन तक तो कम से कम थोड़ा बहुत अच्छा ही चीज है, मीठा एक्सेसिव मीठा, बाहर का खाना छोड़ोगे तो अच्छी बात है ना। अरे 2 दिन दोस्तों से नहीं मिलोगे, पढ़ोगे बैठ के, तो अच्छी बात है ना, अपना टाइम यूटिलाइज करोगे। सो पॉइंट ये है कि लेक्चर को थोड़ा सा एट ए स्ट्रेच कंप्लीट कर ले। हम कहां पर थे? हाँ, बात इससे शुरू हुई थी कि फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में, थर्ड लेक्चर में, शुरू के लेक्चर में लगता है यार लेक्चर छोटा ही अच्छा है। वैसे ही सर ने स्टार्टिंग का 1 घंटा तो हमारा लेक्चर इंट्रोडक्शन में खा लिया, बट आप वो मत सोचिए, इंट्रोडक्शन इज अ डिफरेंट थिंग। आप इंट्रोडक्शन तो फोन पे भी मेरा यूट्यूब से देख सकते हो आराम से, चलते चलते फिरते फिरते। इंट्रोडक्शन में मैं आपको पढ़ा थोड़ी रहा हूं, आपको तो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं, है ना। इंडियन कंपनी विच इज अ सब्सिडियरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर अदर सिमिलर एंटिटीज ऑफ अ फॉरेन कंपनी शैल प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डिंग विद इंडियंस इधर वॉलंटरी मैंडेटरी इफ इट मीट्स द क्राइटेरिया। उल्टा हो गया, होल्डिंग कंपनी ओवरसीज है और इंडिया में सब्सिडियरी कंपनी है तो या एसोसिएट है तो उसके ऊपर इंडियंस लगेगा कि नहीं, वो तो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखकर, नेटवर्क देखकर देखना पड़ेगा। होल्डिंग के ऊपर क्या लग रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है सिंपली, ठीक है। सो दिस वॉज नेटवर्थ पॉइंट, दिस वॉज नेटवर्थ पॉइंट। आगे हमारा बैंकिंग इंश्योरेंस एनबीएफसी को लेकर डिस्कशन है, बट उससे पहले मैं एक डिस्कशन करूंगा इन दोनों चीजों पर जो मैंने छुड़वाई थी, कंपैरेटिव और ट्रांजिशन। तो एक बार पहले आप देख लीजिए, मैं स्क्रीन फुल स्क्रीन कर रहा हूं, एक बार आप देख लीजिए, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैं आपको 2 मिनट पहले टाइम दे रहा हूं।
अच्छा जी गाइस, कंपैरेटिव पीरियड क्या होता है, ट्रांजिशन डेट क्या होता है, सुनिए. कंपैरेटिव पीरियड का ज्यादा कितना कोई टेंशन वाला काम नहीं है. आपने सुना भी होगा कि जब भी एक कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, बैलेंस शीट पीएनएल बनाती है, तो उसको जस्ट पिछले साल के लास्ट ईयर के फिगर्स भी दिखाने पड़ते हैं. सुना है कि नहीं सुना है? डेफिनेटली आपने सुना होगा. आर्टिकलशिप के टाइम पे आपने बैलेंस शीट्स वगैरह भी देखी होंगी कि करंट ईयर के साथ प्रीवियस ईयर के फिगर्स भी दिखते हैं. उन प्रीवियस ईयर्स के फिगर को कहा जाता है कंपैरेटिव. ठीक है, अब हुआ क्या, मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं फेज वन की. अब फेज वन कब से अप्लाई एप्लीकेबल है? 16-17 मैंडेटरी. इसका मतलब मेरी जो बैलेंस शीट होगी 31 मार्च 17 की, उसमें सारे इंडियस फिगर्स होने चाहिए. ये कहा गया है कि जब इसके साथ जब तुम प्रीवियस ईयर दिखाओगे कंपैरेटिव का, कंपैरेटिव पीरियड दिखाओगे प्रीवियस ईयर का, मतलब 31 मार्च 16 का जो प्रीवियस ईयर दिखाओगे, भाई साहब उसको भी तुम्हें इंड एएस पे ही दिखाना पड़ेगा. मतलब जो करंट ईयर में तुमने करंट ईयर से जो तुम्हें तुमने जो इंड एएस अप्लाई किया है ना, वो तो ठीक है, लास्ट ईयर के फिगर्स भी जो तुम्हारे ओरिजिनली एएस के अकॉर्डिंग थे, उसको इंड एएस में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सर ये क्या तरीका है, ये तो गलत है सर, ये चीटिंग है सर. नहीं सर, चीटिंग है. ये क्या होता है सर? तो सर सीधा सीधा बोल दो ना सर, यहां से अप्लाई करना है. सीधा सीधा बोल दो, यहां से अप्लाई करना है. अब इसको समझने के लिए ट्राई टू अंडरस्टैंड. पहली बात तो अगर मैं आपको बोलूं कि यार ये इंड एएस हो जाए और इसको इंड एएस मत करो, इसको एएस करो, फिर साला मतलब ही क्या हुआ? आप पुराने फिगर दिखाई क्यों रहे? इससे बेहतर है मत दिखाओ, ज्यादा अच्छा है. कूड़ा कचरा क्यों बना रहे हो? करो तो अच्छे से करो, नहीं तो छोड़ दो. पहली बात तो ये, ठीक है. तो ये जरूरी है कि कंपैरिजन करना है तो आपको फिगर्स ये वाले भी इंड एएस में चाहिए. अब यहां पर आपका दिमाग चल रहा होगा कि सर ये बताइए कि सर इंड एएस तो हमने यहां से अप्लाई करना शुरू किया, इंड एएस की अकाउंटिंग तो हमने यहां शुरू की, पुराने वाले में तो हमने एएस की अकाउंटिंग की थी, तो सर एएस से इंड एएस में कन्वर्ट कैसे करेंगे सर? एएस से इंड एएस में सर कन्वर्ट कैसे करेंगे सर? ये तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग चीज हो जाएगी. हो तो जाएगी, कैसे करेंगे? इसके लिए फंडा आया ट्रांजिशन डेट का. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन. इस ट्रांजिशन डेट के बारे में, इस ट्रांजिशन डेट के बारे में हम इंड एएस 101 में भी पढ़ेंगे. इंड एएस 101 में आपको जब पढ़ाऊंगा आगे चल के बहुत टाइम बाद इसी बैच में, तो आपको ट्रांजिशन डेट का रिपीटेशन में आपको करवाऊंगा कि देखो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था ट्रांजिशन डेट क्या होती है. एक्चुअली बेसिक फंडा ये है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा. देखो यहां है तुम्हारा 31 मार्च 16, इसको मैं बोलूंगा फर्स्ट इंड एएस कंप्लायंस्ड बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फर्स्ट इंड एएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एक साल पहले का 31 मार्च 15, दिस इज योर कंपैरेटिव. अब हम कह रहे हैं कि इसमें भी ऑल फिगर्स इंड एएस बेस्ड होने चाहिए. कैसे पॉसिबल है यार?
ये तो पिछले साल की बैलेंस शीट है, पिछला साल तो एएस के अकॉर्डिंग किया गया, एएस के हिसाब से ऑडिट हुआ, इंडेस में कैसे लाऊंगा? रुक जा, जीएसटी नाम सुना है? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी कब आया था? कुछ याद है जीएसटी के बारे में? जीएसटी कब आया था? अगर तेरे को याद हो बच्चे, तो जीएसटी आया था 1 जुलाई 2017 में, बम फोड़ा था मोदी जी ने। 1 जुलाई 2017 से लेकर ऑल ओवर इंडिया बेसिस पर जीएसटी अप्लाई हो गया था, और पुराने जितने भी टैक्सेस थे जैसे सेल्स टैक्स, वैट, सीएसटी, इन सबको खत्म कर दिया गया, और कहा गया कि आपके पास जितना भी स्टॉक रखा हुआ है जो कि आपने पुराने वैट, सेल्स टैक्स, सीएसटी के अकॉर्डिंग परचेस किया है, उसको जब आप, आपके पास जो स्टॉक रखा हुआ है 1 जुलाई का, जो आपने पुराने टैक्सेस के अकॉर्डिंग जमा किया है, कोई दिक्कत नहीं है, इन इनपुट, इसका इनपुट क्रेडिट हम आपको देंगे। अब यार इनपुट क्रेडिट आप समझते होंगे, आईपीसीसी में भी आपने पढ़ा होगा, तो इन सब का हम आपको इनपुट क्रेडिट देंगे, डोंट वरी। ये एक ट्रांजिशन डेट है। जीएसटी की ट्रांजिशन डेट क्या थी? ट्रांजिशन डेट का मतलब होता है जब हम पुराने लॉ को छोड़कर न्यू लॉ में जंप करते हैं, तो हमें एक डेट डिसाइड करनी पड़ती है कि किस डेट से वो न्यू लॉ अप्लीकेबल होगा, किस डेट से वो न्यू लॉ अप्लीकेबल होगा। तो जीएसटी के केस में वो न्यू लॉ अप्लीकेबल हुआ था 1 जुलाई 2017, एंड 1 जुलाई 2017 वाज द ट्रांजिशन डेट फॉर जीएसटी। मतलब हमने जीएसटी को फॉलो किया था 1 जुलाई 2017 से। वैसा ही कुछ अब आपको एएस इंडेस में समझना पड़ेगा। पहले आप एएस फॉलो करते थे, आप अपने असेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम्स, एक्सपेंसेस को एएस के अकॉर्डिंग रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर करते थे। अब आपको इंडेस पे जंप करके आना है, तो उसके लिए भी ट्रांजिशन डेट डिसाइड करनी पड़ेगी। कौन सी डेट? ट्रांजिशन डेट, मतलब ऐसी डेट जिस डेट से आप जंप करोगे। तो उसमें कहा गया कि जब भी कोई कंपनी फर्स्ट टाइम इंडेस को एडॉप्ट करेगी, एएस से इंडेस में आएगी फर्स्ट टाइम, तो वो अपना ट्रांजिशन डेट तय करेगी, वो अपना ट्रांजिशन डेट डिसाइड करेगी। सर डिसाइड करेगी मतलब क्या? उसके ऊपर है कि वो अपना ट्रांजिशन डेट कुछ भी कर ले? नहीं 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 नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। मैं आपको बोलूं तू ना अपना ट्रांजिशन डेट डिसाइड कर, तू भी अपना डिसाइड कर, किसी ने अपना बोला 1 अप्रैल 2017, किसी ने बोला 1 अप्रैल 2018, ऐसे थोड़ी होता है। जो भी कंपनी इंडेस फॉलो करेगी एएस से इंडेस में, उसका ट्रांजिशन डेट क्या होगा? सी, हम इंडेस कब से लगा रहे? 1617 से। प्लीज पहले थोड़ा सा सुनिएगा, दिमाग सुनने में चलाइएगा, अभी खुद का वर्कआउट मत करिएगा, ठीक है? आप इंडेस कब से अप्लाई कर रहे हो? 1617 से मैंडेटरी, तो इसका मतलब आपकी फर्स्ट इंडेस बैलेंस शीट, सॉरी ये ना 17 है, ये ना 16 है, सॉरी, आप 1617 से अप्लाई कर रहे हो, तो आपकी फर्स्ट इंडेस बैलेंस शीट 31 मार्च 2017 की है, तो आपका कंपैरेटिव 31 मार्च 2016 का है। कहा गया है आपका जो ट्रांजिशन होगा, ट्रांजिशन डेट होगा, ट्रांजिशन डेट विल बी द बिगिनिंग ऑफ प्रीवियस पीरियड, ओपनिंग डेट ऑफ प्रीवियस पीरियड, ओपनिंग डेट ऑफ प्रीवियस पीरियड, मतलब ये आपका करंट ईयर है, करंट ईयर से आप इंडेस फॉलो कर रहे हो, तो प्रीवियस पीरियड कौन सा हो गया? 15-16, तो 15-16 का ओपनिंग डेट कौन सी हो गई? 1-4-15, 1-4-15 विल बी द ट्रांजिशन डेट। इस डेट को हम बोलेंगे
ट्रांजिशन डेट, मतलब इस डेट से हमें जंप टू इंड एएस करना है, यहां पर हमें जंपिंग जंपिंग खेलना है। पर सर इंड एएस तो यहां से लग रहा है, फिर आप जंप पहले क्यों कर रहे हो? समझ नहीं आया सर। दो बातें अलग अलग हैं, पहले एक चीज पर फोकस करते हैं फिर दूसरी चीज पर फोकस करते हैं। पहले ट्रांजिशन डेट का मैं एग्जांपल और समझा दूं। मैंने आपको बोला कि मैं 16-17 से इंड एएस लगा रहा हूं। दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए मैं इंड एएस लगा रहा हूं फाइनेंशियल ईयर 18-19 से, सोचो ट्रांजिशन डेट क्या होगी, बताओ। सर 1819 से क्यों लगा रहे हो? 1819 से पहले मेरी नेटवर्थ 500 करोड़ की जस्ट इससे पहले हुई थी, उससे पहले थी नहीं, मैं क्या करूं? या 250 करोड़, वॉट एवर, बोलो क्या करना है? 1819 से मेरा इंडेक्स लग रहा है, बोलो मेरा ट्रांजिशन डेट क्या होगा? ट्रांजिशन डेट कैसे होगा? इसको हम बोलेंगे करंट ईयर, तो हमारा प्रीवियस ईयर क्या होगा? 17-18। प्रीवियस पीरियड का ओपनिंग डेट क्या होगा? 1 अप्रैल 17। दिस विल बी द ट्रांजिशन डेट, क्लियर? पहले ये समझ लो कि ट्रांजिशन डेट कैसे कैलकुलेट की जाती है, उसके बाद बताऊंगा कि ट्रांजिशन डेट क्यों कैलकुलेट की जाती है। दो बातें अलग अलग है, कैसे और क्यों। पहले कैसे समझ लो, जो सिंपल है, जो क्यों वाला पॉइंट है वो तो लॉजिकल है, वो तो बताऊंगा ही बताऊंगा। तो कैसे कैलकुलेट की जाती है इतना तो समझ में आ गया होगा। करंट ईयर में इंडेक्स लगा रहे हो, करंट ईयर आपका फर्स्ट ईयर है इंडेक्स का, लास्ट ईयर जो आपका प्रीवियस पीरियड है उसका ओपनिंग डेट विल बी द ट्रांजिशन डेट। तब से आपको जंपिंग करना है, तब से आपको इंडेक्स में आना है, ठीक है। अब क्यों, क्यों इंडेक्स ट्रांजिशन डेट क्यों निकाल रहा है? थोड़ी देर मैंने आपको पहले बोला कि तुम्हारी फर्स्ट इंडेक्स कंप्लायंस बैलेंस शीट होगी 31 मार्च 17 वाली, पर तुम्हारा जो कंपैरेटिव जो तुम दिखाओगे बैलेंस शीट के, तुम्हारे वो फिगर्स भी इंडेक्स के होंगे। तो तुमने बोला सर इंडेक्स में कैसे आ जाएंगे सर, वो फिगर्स तो एएस में, सर एएस से इंडेक्स कैसे होगा सर, हम तो उलझ गए। उसी के लिए बोला गया है कि चिंता मत करो, तुम्हें अपनी उस बैलेंस शीट को चेंज नहीं करना है, जो तुम्हारी ओरिजिनल 31 मार्च 16 की जो बैलेंस शीट है वो एएस के हिसाब से, वो ऑडिटेड है, उसको चेंज नहीं करना है, वो पड़ी रहे। अब फिगर्स को तो इंडेक्स पे लाना ही है पर बैलेंस शीट को चेंज करना नहीं है। एक काम करते हैं, इससे भी पहले जाते हैं इस डेट पर, इससे भी पहले जाते हैं इस डेट पर, यह डेट पे जो भी तुम्हारी बैलेंस शीट के 1 अप्रैल 15 बैलेंस शीट के जो भी तुम्हारे असेट्स और लाइबिलिटीज और इक्विटी, मैं सिर्फ बैलेंस शीट बोल रहा हूं पेंडल नहीं, कि जो फिगर्स होंगे वो ऑब्वियसली एएस के अकॉर्डिंग होंगे, ये तुम्हारी ट्रांजिशन डेट है ना। ये जितने भी फिगर्स तुम्हारे एएस के हैं ना, इन फिगर्स को कन्वर्ट करके इंड एएस के हिसाब से रखोगे। जैसे मान लीजिए तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है या तुम्हारी कोई भी असेट है, एएस के हिसाब से उसकी वैल्यू 4 लाख रुपए दिख रही है, पर इंडेक्स के हिसाब से वो 4.5 की दिखनी चाहिए। लाइबिलिटी एएस के हिसाब से वो 3 लाख दिख रही है, पर इंड एएस के हिसाब से वो 2 लाख दिखनी चाहिए। आप क्या करोगे, 1 अप्रैल 2015 ट्रांजिशन डेट पर जितने भी आपके पास असेट्स लाइबिलिटीज इक्विटी हैं जो एएस पर हैं, उनको इंड एएस के फिगर्स में कन्वर्ट करोगे और एक न्यू बैलेंस शीट बनाओगे। वो जो न्यू बैलेंस शीट होगी वो इंड एएस के हिसाब से होगी, वो अनऑडिटेड बैलेंस शीट होगी, वो ऑडिटेड नहीं होगी, अनऑडिटेड। तो एक न्यू अनऑडिटेड ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी 1/4/15 मतलब ट्रांजिशन डेट की। हमारे एग्जांपल में ट्रांजिशन डेट 1/4/15 है, उसमें सारे असेट्स लायबिलिटीज इक्विटीज सब इंड एएस के हिसाब से आएंगे। आ गए सर? सर आपने बोला कि 4 की जगह 4.5, 3 की जगह 2, सर ऐसे तो फिर डिफरेंस बैलेंस शीट तो डिफरेंस मारेगी। हाँ
बैलेंस शीट में जो भी डिफरेंस आएगा वो आप रिजर्व्स एंड सरप्लस में, ओपनिंग रिजर्व में एडजस्ट कर दोगे. यस, अगर आपकी बैलेंस शीट डिफरेंस मारेगी, इफ देयर इज एनी डिफरेंस इन दिस बैलेंस शीट बिकॉज ऑफ जंपिंग फ्रॉम एएस टू इंड एएस, वॉट एवर डिफरेंस अराइज, द डिफरेंस विल बी ट्रांसफर टू रिजर्व्स एंड सरप्लस, ओपनिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑफ 1415. सर ये पॉइंट कहां लिखा हुआ है? ये पॉइंट तो आपने कभी पढ़वा ही नहीं. ये पॉइंट इंड एएस में लिखा हुआ है, इंड एएस 101. इंड एएस 101 का नाम है फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ इंड एएस. जब पहली बार इंड एएस अडॉप्ट करते हो तो क्या क्या करना चाहिए. तो 1/4/15 को आपने एक न्यू ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई अनऑडिटेड, उसके एएस के फिगर को इंड एएस में कन्वर्ट किया, जो भी डिफरेंस आया आपने उसको रिजर्व एंड सरप्लस में डाल दिया. सारे फिगर किस में आ गए? एएस, इंड एएस में आ गए. अब यहां के फिगर अगर इंड एएस में आ गए तो डेफिनेटली अब जो क्लोजिंग फिगर होंगे इसके हिसाब से, ये 31/16 क्लोजिंग हो गया, तो इसके फिगर अपने आप आपके इंड एएस में अब तो आ ही जाएंगे ना. जब आपने ओपनिंग फिगर को इंड एएस में कन्वर्ट कर दिया तो उसी से तो आपको बस आगे बढ़ना है ना. अब आपको एक राह मिल गई. ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूं. मुद्दा ये था कि साला एएस से इंड एएस में आऊं तो सही, कहां से शुरू करूं? इधर से शुरू करूं, इधर से शुरू करूं, इधर से शुरू करूं, इधर से शुरू करूं कि बाहर निकल जाऊं? बाहर निकल जाऊं? नहीं नहीं नहीं, एक स्टार्टिंग पॉइंट मुझे चाहिए जहां से मैं शुरू करूं. अब वो स्टार्टिंग पॉइंट का रूल बन गया कि तू जिस ईयर में इंड एएस फॉलो कर रहा है पहली बार, उसका पिछले साल का ओपनिंग, वहां से स्टार्ट करेगा तू इंड एएस. तू ओपनिंग फिगर्स को, थोड़ा आगे आ जाता हूं, तू ओपनिंग फिगर्स को इंड एएस में कन्वर्ट कर ले, उसके उसी साल के क्लोजिंग फिगर को इंड एएस कन्वर्ट करने में आसानी हो जाएगी. समझ गए कि नहीं? जैसे मान लो तूने 1415 को असेट, कोई फिक्स असेट तूने इंड एएस में कन्वर्ट कर दी, तो 31/16 में तो तेरे को सिर्फ डेप्रिसिएशन लगाना है ना. तूने लोन कन्वर्ट कर दिया इंड एएस के अकॉर्डिंग, 31/16 को तेरे को बैलेंस दिखाना है ना इंड एएस के अकॉर्डिंग. अब तो समझ आएगी नहीं? सो कंपैरेटिव दिखाने के लिए, कंपैरेटिव को इंड एएस दिखाने के लिए, कंपैरेटिव फिगर्स इंड एएस के अकॉर्डिंग दिखाने के लिए तेरे को ट्रांजिशन डेट डिसाइड करनी पड़ेगी, और वो ट्रांजिशन डेट विल बी द ओपनिंग डेट ऑफ प्रीसीडिंग पीरियड. क्या बोलोगे? ओपनिंग डेट ऑफ प्रीवियस ईयर या प्रीसीडिंग पीरियड. हमेशा मैं इंड एएस अप्लाई कर रहा हूं फाइनेंशियल ईयर 2021 में, बोलो मैं इंड एएस अप्लाई कर रहा हूं फाइनेंशियल ईयर 2021 में, ट्रांजिशन डेट क्या होनी चाहिए? सोचो ट्रांजिशन डेट क्या होनी चाहिए, सोचो 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 सोचो. इंड एएस अप्लाई कर रहा हूं 2021 में, तो 2021 इज द करंट ईयर. लास्ट ईयर कौन सा था? प्रीवियस ईयर 1920. 1920 का ओपनिंग डेट 1 अप्रैल 19 विल बी द ट्रांजिशन डेट. उस दिन मैं जंपिंग कर लूंगा. ट्रांजिशन डेट मीन्स द जंपिंग डेट. सीधी बात, समझ में आया? अब इधर आओ. अगर तू 15-16 से शुरू करेगा तो तेरा कंपैरेटिव होगा 14-15, तेरा ट्रांजिशन डेट क्या होगा? 1/4/14. अगर तू 16-17 से शुरू करेगा तेरा कंपैरेटिव होगा 15-16, तेरा ओपनिंग क्या होगा? 1/4/15. सिंपली. सो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजिशन डेट. आई होप आपको ये ट्रांजिशन डेट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और बल्कि इंटरेस्टिंग लगा होगा. बल्कि मैं मानता हूं कि पूरे इंडिया में अभी तक मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है सब इजी था, बट इंटरेस्टिंग पोर्शन ये ट्रांजिशन डेट वाला था. जंपिंग डेट 1 अप्रैल, ट्रांजिशन डेट ओपनिंग डेट को आपको एक न्यू बैलेंस शीट बनानी है इंडिया वाली अनऑडिटेड. उस दिन जो भी आपके एएस वाले फिगर्स थे, जितने भी फिगर्स थे एएस के बेस पर ही होंगे, उन सबको इंड एएस में कन्वर्ट करना है. सर जरूरी है क्या वो सारे फिगर चेंज करने पड़े? हो सकता है सर जो फिगर एएस के अकॉर्डिंग है वही इंड एएस के अकॉर्डिंग आ रहा है, तो उसको रहने दो ना. आप हर फिगर के ऊपर इंड एएस लगा के देखोगे कि अगर इसके ऊपर इंड एएस लगाते तो क्या होता, अगर इसके ऊपर इंड एएस लगाते तो क्या होता, इसके ऊपर लगाते तो क्या होता, उसके ऊपर लगाते. क्या बात कर रहे हो सर, मतलब मुझे सारे फिगर्स के ऊपर इंड एएस लगा के सोचना पड़ेगा? सर ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है. यस, ये बहुत लंबा प्रोसेस है. कभी मुझे मौका मिलेगा मैं आपको एक्सेल शीट दिखाऊंगा कि जो हमने रियल लाइफ में इस पे काम किया है. ठीक है, जो भी फिगर्स आएंगे इंड एएस के अकॉर्डिंग, ऑब्वियसली आपकी बैलेंस शीट हो सकता है टैली ना हो, चांसेस
मुश्किल ही है कि आपकी टैली होगी, तो जो भी डिफरेंस आएगा वो आप उसी दिन के ओपनिंग डेट पे ही आप ओपनिंग रिजर्व्स में एडजस्ट कर लोगे। बचपन में हम सस्पेंस बोलते थे, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता था, ये वैसा ही है, सस्पेंस नहीं आएगा, बस ओपनिंग रिजर्व में डाल दो। ठीक है, जो मेन पॉइंट था इस पूरे टॉपिक का वो खत्म हो चुका है, बहुत ही इजी पॉइंट बचा हुआ है। एंड आई मस्ट से कि ये पॉइंट मैं चाहता हूं कि आप पहले खुद पढ़ें। आई विल गिव यू 5 मिनट्स का टाइम अभी, और मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में खुद पढ़ें और आप खुद पढ़ के इंटरप्रेट करें कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, NBFCs के ऊपर इंडेक्स कब से लगेगा, फिर मैं आपके साथ एक बार डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, एक बार आप ये खुद पढ़ लीजिएगा, फिर हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर सिर्फ इंपॉर्टेंट केस स्टडीज बचेंगे। ठीक है, जैसा भी रहा, केस स्टडीज के लिए अगर टाइम मिला तो हम करंट क्लास में देखेंगे, नहीं तो अगली क्लास में देखेंगे, देखा जाएगा, पर देखेंगे जरूर, डोंट वरी। तो आप ये पढ़ लीजिए, मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं। चलिए, तो जितने भी टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, NBFCs कंपनीज होती हैं, इनके ऊपर इंडेक्स कैसे रहेगा, इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर कब रहेगा, NBFCs के ऊपर कब रहेगा, देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं, फाइनेंशियल ईयर 18-19, फाइनेंशियल ईयर 19-20 और फाइनेंशियल ईयर 2021 नहीं 21-22 2021 में खा गया, स्किप कर गया। फाइनेंशियल ईयर 18-19 मैंडेटरी होगा किसके लिए, ऑल इंडिया टर्म लेंडिंग रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस, जैसे नाबार्ड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, SIDBI, ये सब टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है, ये भी तो बैंक की तरह लोन्स वगैरह प्रोवाइड करती है, नाबार्ड किसानों को लोन देती है सस्ते रेट पर, गवर्नमेंट के बेसिस, गवर्नमेंट के कंट्रोल में आके। 1819 से मैंडेटरी रहेगा, ठीक है, 1819 से मैंडेटरी रहेगा इनके ऊपर इंडियंस, यहां पर कोई इनकी लिमिट वेमिट देखी नहीं जा रही है, 500 करोड़ हो या कुछ भी हो, कुछ भी होगा आपके ऊपर मैंडेटरी हो जाएगा। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, NBFCs, सेम 18-19 से रहेगा, अगर इनका नेटवर्थ 500 करोड़ और मोर था, चाहे ये लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, और इनके सभी होल्डिंग सब्सिडरी, एसोसिएट, ज्वाइंट वेंचर के ऊपर। ठीक है, पर अगर 500 करोड़ से नीचे था, NBFCs whose equity debt instruments are listed or in the process of listing having net worth less than 500, unlisted NBFC net worth of at least 250 or more but less than 500, तो उनके ऊपर 1920 से लग जाएगा और उनके होल्डिंग सब्सिडरीज, एसोसिएट, JV respectively। तो ऑल इंडिया टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस के ऊपर 18-19 से इंडेक्स लगेगा, NBFCs के ऊपर 18-19 से फेस वन, 1920 से फेस टू। 2021 खाली साल, इनमें किसी भी ऊपर नहीं लगेगा। इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर डायरेक्ट लगेगा 21-22 से, फ्रॉम 1st अप्रैल 21 ऑनवर्ड्स, इंश्योरेंस कंपनीज 21-22। अब आ गए सबसे बड़ी चीज, बैंक एक्सक्लूडिंग RRB, RRB मतलब रीजनल रूरल बैंक्स, आपने सुने होंगे बहुत सारे गांव वगैरह साइड में बैंक्स होते हैं, इवन शहरों में भी कुछ सहकारी बैंक्स टाइप से आपने सुना होगा, सहकारी बैंक, मर्यादित बैंक, ऐसे बहुत सारे टाइप्स के बैंक होते हैं, तो उन बैंक्स को रीजनल रूरल बैंक बोला जाता है, उसके ऊपर तो ASC लगेगा। जहां तक बात है अदर बैंक्स की, नॉर्मल शेड्यूल बैंक्स की, इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंडिया इज डेफर्ड टिल फर्दर नोटिस बाय RBI वाइड नोटिफिकेशन टिल डेटेड 22 मार्च 2019। एक्चुअली
अर्लियर ये डिसाइड हुआ था कि बैंक के ऊपर भी फाइनेंशियल ईयर 18-19 या 19-20 से अप्लाई करेंगे, ये ना कुल मिला के बस नखरे दिखा रहे, इनकी इच्छा नहीं हो रही अप्लाई करने की, ऊपर से बीच में मर्जर के केसेस हो गए, सभी बैंक्स को मर्जर कर दिया गया, तो बिकॉज ऑफ मर्जर्स एंड ऑल, ऊपर से बिकॉज ऑफ एनपीएस एंड ऑल, बैंक रेडी नहीं हो रहे कि हम इंडेस में जाएं, क्योंकि इंडेस में अगर एक बार चले गए ना तो उनके एनपीए के प्रोविजन के नॉर्म्स भी बदल जाएंगे और बहुत ही सख्त नॉर्म्स हो जाएंगे, जिससे आशंका है कि उनके एनपीएस और बढ़ सकते हैं, ऊपर से बीच में मर्जर्स हो गए सारे बहुत सारे बैंक्स के, तो इसीलिए इंडेस का इंप्लीमेंटेशन डिफर कर दिया गया। लास्ट नोटिफिकेशन आया था 22 मार्च 2019 का, आरबीआई ने उसमें सीधा सीधा बोल दिया कि आगे देख लेंगे, कब से करेंगे छोड़ दो, डेफर्ड टिल फर्दर नोटिस, बस। तो बैंक के ऊपर अभी फिलहाल इंडेस नहीं लगता है। वॉलेंट्री एडॉप्शन इज नॉट परमिटेड फॉर बैंक्स एनबीएफसी इंश्योरेंस, हाँ जो ये एनबीएफसी के ऊपर एप्लीकेबल है अभी इंश्योरेंस के, इनको वॉलेंट्री एडॉप्शन नहीं दिया गया, जिस जो साल इनको बोला गया उसी से करना पड़ेगा। एंटिटीज नॉट कवर्ड इन द रोड मैप शेल कंटिन्यू टू अप्लाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एट प्रेजेंट, मतलब बैंक्स जो है वो एएस फॉलो करती हैं, जो कॉर्पोरेट्स हैं जो इंडेस में नहीं आ रहे वो एएस फॉलो करते हैं, आरआरबीस एएस फॉलो करती हैं, एसएमई एक्सचेंज में लिस्टेड है एएस फॉलो करती हैं वगैरह वगैरह। कौन कौन सी आ गई, बैंक्स, अनलिस्टेड, नेटवर्थ लेस देन 250, लिस्टेड ऑन एसएमई एक्सचेंज, आरआरबीस, रीजनल रूरल बैंक्स, ये सब। सो गाइस दैट्स इट, दिस वाज द रोड मैप ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियंस, कैसा रहा, आई होप आपको ये लॉजिकली समझ में आया होगा। एक बात बताऊं आपको, कुछ कुछ बच्चों ने शायद नोटिस किया होगा ये टॉपिक पढ़ के आज का, कुछ कुछ बच्चों ने, और कुछ कुछ बच्चों ने नहीं भी किया होगा नोटिस, आपका जो इंटरमीडिएट लेवल है ना, मैं इंटरमीडिएट बात कर रहा हूँ, आईपीसी से बात नहीं कर रहा हूँ, वो स्टूडेंट्स जो इंटरमीडिएट सीए इंटरमीडिएट न्यू कोर्स पास करके आए हैं, आपको बात बता दूं ये रोड मैप जो था ये आपकी बुक में इंटर की बुक में भी था। ग्रुप वन में स्टार्टिंग में आपके टॉपिक हुआ करते थे ओवरव्यू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आईएफआरएस, कन्वर्जेंस, इंडेस का रोड मैप, वो सब आपके बुक में भी था, हो सकता है आपने पढ़ा हो। मैं इतना कह सकता हूं कि 50% स्टूडेंट्स तो पढ़ते ही नहीं थे उस चीज को, ठीक है। और जब भी इंटर की आरटीपी आती थी तो उसमें आरटीपी में आता ना एप्लीकेबल क्या क्या और नॉट एप्लीकेबल क्या, तो नॉट एप्लीकेबल में सबसे पहले आता था कि इंडेस एप्लीकेबल नहीं है इंटर में। तो हो सकता है कुछ बच्चों ने ध्यान दिया हो कि यार ये चीज तो यार इंटर में पड़ी हुई लग रही है यार, क्योंकि इंटर में मैंने भी इसको कवर करवाया था ऊपर ऊपर से, डीप में नहीं, इतना वास्ट डीप में नहीं, पर हाँ मैंने नोट्स वगैरह सब दिए हैं। अब आई डोंट नो आपने ध्यान दिया था नहीं दिया था, किससे पढ़ा था किससे नहीं पढ़ा था, वट एवर, बट ये इंटर का टॉपिक, इंटर में भी टॉपिक कवर किया गया था जिसको बच्चे हल्के में लेते हैं, बहुत सारे बच्चों को तो पता भी नहीं होता। अच्छा अब आते हैं इंपॉर्टेंट केसेस पर, कितने केसेस हैं साहब, आई थिंक 7 केसेस होंगे। हाँ अगर आप देखोगे ये 7 केसेस आप देखोगे, देखो क्या लिखा है मैंने, आईटीएफजी क्लेरिफिकेशन बुलेटिन 1 इशू 2। सर ये क्या है आईटीएफजी क्लेरिफिकेशन, अब मान लीजिए अगस्त एंड सितंबर मंथ में हमसे बहुत सारी क्वेरी पूछी गई इंस्टीट्यूट से, बहुत सारी कंपनीज के द्वारा क्वेश्चंस पूछे गए, जिसका क्लेरिफिकेशन अगस्त एंड सितंबर का मिलके इंस्टीट्यूट ने उन सबकी सभी क्वेरीज का मिलके क्लेरिफिकेशन अक्टूबर में इशू किया। तो जब अक्टूबर में उन सभी क्वेश्चंस को इशू किया गया, उनके आंसर्स को इशू किया गया,
तो उसको बोला गया बुलेटिन, बुलेटिन, बुलेटिन वन, मतलब जब पहली बार बुलेटिन वन मतलब पार्ट वन, बुलेटिन टू मतलब पार्ट टू, इश्यू टू मतलब उस पार्ट वन का क्वेश्चन नंबर टू, मतलब एफएक्यू टू। अब उस बुलेटिन में मान लीजिए अगर 15 इशू डिस्कस किए गए होंगे, 15 अलग अलग कंपनीज के क्वेश्चन को डिस्कस किया गया होगा, तो इशू टू जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है, मैंने सारे नहीं लिए, मैंने सिर्फ जो रेलेवेंट लगे, इंपॉर्टेंट लगे, मैंने वो लिए। तो सारे के सारे केसेस, केस वन से लेकर केस सेवन तक, मैंने आईटीएफजी क्लैरिफिकेशन लिए। पिछली बार की क्लासेस तक मैं सिर्फ स्टार्टिंग की 3 केस स्टडीज करवाता था, इस बार मैंने कुछ केस स्टडीज ऐड की हैं, 4th, 5th, 6th, 7th मैंने ऐड की है। केस स्टडी 1 में मैंने लिखा नहीं है आईटीएफजी क्लैरिफिकेशन वाला, पर वो है आईटीएफजी क्लैरिफिकेशन का। चलिए केस स्टडी 1 पढ़ते हैं, केस स्टडी 1 पढ़ते हैं। कंपनी एक्स ऑन स्टैंड अलोन बेसिस हैड अ नेटवर्थ ऑफ 250 crores बट बिलो 500 crores इन द फाइनेंशियल ईयर 13-14 13-14 मतलब 31st March 14। तो यहां हमारी नेटवर्थ मोर देन 250 एज वेल एज फाइनेंशियल ईयर 14-15 तो इसका मतलब जो 31st March 15 बनेगा, यहां भी हमारी नेटवर्थ 250 crore से ज्यादा है। इज एक्सपेक्टेड टू एक्सीड 5 crore इन फाइनेंशियल ईयर 15-16 कंपनी कह रही है कि यहां पर 31st March 16 पे हमारी एक्सपेक्टेड नेटवर्थ मोर देन 500 करोड़ का अंदेशा है। हमें लगता है हम यहां खड़े हैं, या हम यहां खड़े हैं 31st March 16 का, हमें लगता है कि नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा। बताइए वेदर कंपनी एक्स बी रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद इंडिया फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 17-18 दैट इज अंडर फेज टू गिवन दैट नेटवर्थ एज ऑन 31st March 14 वॉज बिलो 500 एंड एक्स वॉज अ कंपनी एक्जिस्टिंग ऑन 31st March 14 वॉज ऑलरेडी फाइलिंग फॉलिंग अंडर थ्रेशोल्ड एज ऑन 31st March 14 इटसेल्फ इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट नेटवर्थ एज ऑन March 16 माइट बी अबव 500। वो बोल रहा है बताइए कि जो ये एक्स लिमिटेड है ये फेज टू में आएगी या फिर फेज वन में आएगी। मैंने आपको बोला था सबसे पहले आपको 31st March 14 की नेटवर्क चेक करनी है, क्या हो रही है फेज वन के लिए हो रही है, नॉट फॉर फेज वन, यहां नॉट फॉर फेज वन। पर हमें लगता है कि 31st March 16 में 500 से एक्सीड कर जाएगा, अगर कर गया तो यहां पर हम फेज वन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। समझ में बात आ रही कि नहीं, हम फेज वन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, बात समझ में आई कि नहीं। तो हम यहां पर आंसर देंगे कि कंपनी इज एक्सपेक्टिंग दैट इट विल गेट नेटवर्थ ऑफ मोर देन 500 crores एज ऑन 31st March 16 हेंस कंसिडरिंग द एक्सपेक्टेशंस द कंपनी विल फॉल अंडर फेज वन। बट सपोज इफ द नेटवर्थ इज नॉट गेटिंग मोर देन गेटिंग इक्वल टू और मोर देन 500 crores एज ऑन 31st March 16 द कंपनी विल फॉल अंडर फेज टू एंड हैड टू अप्लाई इंड एज अंडर फेज टू फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 17-18 ठीक है। यहां क्या बोला है, इंड एज विल बी अप्लीकेबल फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम 1st April 16 फेज वन एज पर द एक्सपेक्टेशन
इसमें आपका अपन लिखेंगे इफ एक्सपेक्टेशन मीट्स, इसमें लिखेंगे इफ डज नॉट मीट देन फेज टू। सीधी बात है, फेज वन कब से स्टार्ट हो रहा है? मैंडेटरी वाला 1617। अगर 1617 हाथ से निकल गया तो फेज टू में तो आ ही गए ना, ठीक है। एक काम करें, आज के सेशन को यहीं पे ओवर करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग का इंट्रो लेक्चर भी हो गया था लगभग एक घंटे का ही मान लो। तो वैसे भी आज मतलब मैंने एज अ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैंने लगभग लगभग 4 घंटे की क्लास बना ली है, बट अगर सिर्फ लेक्चर वन बोले तो लगभग 3 घंटे के आसपास हो रहा होगा जो मेरा अंदाजा है। आई होप 3 घंटे से ऊपर जा रहा हो, पर इफेक्टिव पोर्शन 3 घंटे के आसपास का होगा। तो मैं यहीं पर लेक्चर को ओवर कर रहा हूँ, क्योंकि जो केस टू है वो बहुत बड़ा केस है। तो आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, बाकी के रिमेनिंग जितने भी केसेस हैं, केस 2, 3, 4, 5, 6, 7, बहुत छोटे छोटे केसेस हैं, केस 2 बस बड़ा है, आपको ये सब पढ़ के आना है। अगली क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जैसे मैंने अभी आपके साथ केस 1 डिस्कस किया, वैसे ही मैं आपके साथ अगली क्लास में केस 2, 3, 4, 5, 6, 7 डिस्कस करूंगा। आज की क्लास में अगर आप बिना रजिस्टर के, प्रॉपर रजिस्टर के, बिना प्रॉपर हाईलाइटर, प्रॉपर पेंस, बिना स्टिकी नोट्स के बैठे थे तो कोई बात नहीं, अगला लेक्चर देखने से पहले आपके साथ ये सब चीज़ें होनी चाहिए, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, इंट्रो में बोला था और मैंने स्टार्टिंग में बोला था ये सब चीज़ें होनी चाहिए। रजिस्टर एक प्रॉपर होना चाहिए सब्जेक्ट का, जब हम कंपाइलर क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करेंगे उसका सेपरेट रजिस्टर आपके पास होना चाहिए। चलिए यहाँ तक इतना, अच्छा यहीं पर कंक्लूड करते हैं सेशन को। आई होप आपको सेशन में मज़ा आया होगा और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आगे बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आपका सब्जेक्ट FR वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट बना के छोड़ूंगा, ये मेरी गारंटी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।